मतलब बोलो और मैं सुन लिया, जोर से बोलिए हरे सब सब बैठ जा। आरती आरती को इधर रखिए। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं जथा योग्य प्रणाम करता हूँ। बस वृंदावन बिहारी लाल की। सब माताएं सब बैठिए, कोई खड़े मत रहो, सब बैठिए आगे, कोई खड़े मत रहो, बैठिए आप सबके साथ। गत कल हम लोग, ये आवाज ऐसी क्यों हो रहा है, ठीक है बेटा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में नंद के लाला बन करके प्रकट हुए। आज हम लोग श्रवण करेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में श्री नंद बाबा की बच्चा बन करके जन्म हुए और कैसे श्री वृंदावन में गोकुल में बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया जय कन्हैया। आज हम नंद के लाला के विषय में श्रवण करेंगे। बोले श्री ए बच्चे दांत मत करो, ये बच्चों को चुप कराने के लिए कोई एक व्यक्ति रहो। हरे कृष्णा। कहते श्री नंद बाबा की जो पिताजी थे उनका नाम था श्री परजन बाबा। कहते परजन बाबा के पांच संतान थे बेटे, कहते उपानंद सुनंद नंद अभिनंद और नंदन, ये पांच बच्चे थे। पहले नियम ये था कहते चार ही वर्ण और चार ही आश्रम है। बोले चार ही आश्रम में जो पहला आश्रम है, आप लोग रामायण और कृष्ण लीला देखे होंगे, अभी जैसे बच्चे लोग स्कूल में पढ़ने लिखने जाते हैं पहले सबके सब गुरुकुल में जाते थे। जैसे भगवान राम भी गुरुकुल में गए, भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में गए, 25 साल तक गुरुकुल में समस्त वेद पुराण शास्त्र हैं सबके सब इसको पढ़ते थे। जब 25 साल हो जाती थी तब गुरुदेव प्रश्न करते थे, बोले बेटा बताओ अभी तुम्हारी मन में क्या इच्छा है, संसार करना इच्छा ना भजन करने की इच्छा। जो समस्त वेद पुराण को पढ़ करके उनको ये समझ में आता था ये मानव शरीर 184 भ्रम के नरोतन दे, मतलब ये शरीर ठाकुर जी सहज में नहीं देते हैं, कभी ये 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार ये मानव शरीर मिलता है। और ये मानव शरीर नहीं बोले साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवार। भगवान राम अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं, बोले हे अयोध्या वासियों ये जो मानव शरीर है ये देव दुर्लभ है, देवताओं को भी ये मानव शरीर नहीं मिलती है। पुण्य कर्म करके तो स्वर्ग जा सकते हैं लेकिन इस स्वर्ग में ऐसे कोई काम नहीं जिसको करके फिर भारत भर्ष में कोई जन्म ले। फिर हिंदू धर्म में फिर सनातन धर्म में अब विशेष करके गुजर धर्म में तो जन्म लेना बहुत बहुत ही भाग्यवान की बात है। ताली बजाओ तुम लोगों के लिए, तुम लोग समझो गुजर घर में जन्म लिया है। ये गुजर घर है ये सबके सब कृष्ण के वंश घर है। ये जो गुजरी है सबके सब गोपियों को ये गुजरी कहते हैं, इसलिए आप लोग बड़े भाग्य है जो सबके सब गुजर घर में जन्म ग्रहण किए हो, बड़े भाग्य से जन्म लिए हो। इसलिए जो ये चीज को समझ जाता था इसी जीवन में ही प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, वो क्या करते थे, बोले गुरुजी हम तो आपकी चरण में रहते हुए आपकी चरण की सेवा करते करते भक्ति करते करते संसार से पार हो जाना चाहते हैं।
लेकिन जिनको संसार किए बगैर शादी के बगैर रह नहीं सकते, बोलते देख बेटा जब घर में जाओ, लेकिन घर में जाकर के अपना मनमानी शादी नहीं करना, लव मैरिज नहीं करना, जिसको पसंद हो उसको शादी कर ले, नहीं नियम नहीं है। नियम है पिता माता जहां पर तुम्हें अपना कुल मर्यादा के अनुरूप जहां पर शादी कराए वहीं पर शादी करो, और दोनों पति पत्नी गृहस्थ धर्म को जाजन करो। गृहस्थ धर्म क्या है, गृहस्थ धर्म किसको कहते हैं, इसलिए भागवत में बताए बोले गृह उपस्थित राजन क्रिया कुर्बन जथोचिता वासुदेव अर्पण साक्षात उपासित महामुनि। कहते ये श्लोक श्री नारद जी कह रहे हैं, बोले जब श्री पंच पांडव का शादी हो गया, उनका संतान भी हो गए, एक दिन श्री नारद जी पांडव घर में आते हैं। आने पर श्री नारद जी की चरण धोए, चरणामृत लिए, नारद जी को बैठाए, तब श्री युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं, बोले हे नारद बाबा ध्यान देकर सुनो, इतनी सी बात अगर जीवन में उतार दिया तो समझो जीवन सार्थक हो जाएगी। युधिष्ठिर महाराज कहते हे श्री नारद जी, हम पांच भाइयों का शादी हो गया, बाल बच्चे भी हो गए, अब ये बताओ हम ऐसे घर में रहते हुए ऐसे क्या काम करें जो हमारी बेड़ा पार हो जाए, संसार की बंधन से मुक्ति होकर के हम ठाकुर जी के चरण में पहुंच जाए। तब श्री नारद जी कहते हैं घर में रहते हुए कैसे ठाकुर जी की भजन करें, ये चीज को कहते हैं, बोले घर में रहो लेकिन कोई पाप कर्म के द्वारा पैसा मत कमाओ, धर्म के द्वारा पैसा कमाओ, और जो कुछ करो ठाकुर जी के लिए करो, पैसा कमाओ तो ठाकुर जी के लिए, रसोई बनाओ तो ठाकुर जी के लिए, घर बनाओ तो पहले ये समझो, जब घर बनाओ पहले ये मत देखा करो हमारी किचन कहाँ होगी, हमारे बेडरूम कहाँ, बैठक कहाँ, सबसे पहले ये देखो ठाकुर जी के लिए बात मत करो, ए गोपिया चुपचाप बैठो। इसलिए बोले सबसे पहले हम ठाकुर जी के लिए घर कहाँ पर बनाए, लेकिन हम क्या क्या करते हैं, एक व्यक्ति हमें बुला कर ले गए, बोले बाबा चलो हम ठाकुर घर दर्शन कराएंगे। मैंने सोचा बहुत बढ़िया फील होगा, मैंने देखा घर का सबसे जो रिजेक्ट स्थान है, बेकार स्थान पर ठाकुर जी को बैठा दिया, और अपना लिए तो बड़ा बैठक बनाया, घर मकान बनाया, लेकिन जिसने सब कुछ दिया है ना, जो घर का बेकार स्थान है कोई काम में नहीं आएगा वही पर ठाकुर को बैठा दिया, नहीं ये चीज को समझो, घर में सबसे बढ़िया स्थान ठाकुर जी के लिए, घर में सबसे बढ़िया स्थान क्यों, उसने तुम्हें सब कुछ दिया है, उसकी कृपा से ही तुम्हें सब कुछ मिला है। अब देखना ठाकुर को जो जितनी अच्छी तरह से सेवा करोगे, लक्ष्मी कहाँ आती है, जहाँ नारायण की सेवा हो वहीं पर तो लक्ष्मी आएगी ना, अगर नारायण की सेवा नहीं कर रहे हो, ठाकुर को सेवा नहीं कर रहे हो, फिर तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी तुम्हारे ऊपर में। इसलिए घर में सबसे बढ़िया स्थान ठाकुर जी के लिए, सबसे बढ़िया स्थान ठाकुर जी को बनाओ, ठीक है, ऐसे नहीं गर्मी का समय में खुद तो एसी में सोते हैं, अब ठाकुर जी के लिए कूलर तक भी नहीं, ठाकुर जी को ठंडा लगती कि नहीं, बोलो ठाकुर को ठंडा लगती नहीं। देखो एक छोटी सी कहानी सुनो, ये सही घटना है, बोले एक समय कोई एक ब्रिगेडियर था जो सेना के अधिनायक, एक समय वो हेलीकॉप्टर में जा रहा था, हठात आग लग गई तो अभी बचने का कोई सवाल नहीं, लेकिन उसका जो मेन था ना हैं, वो था ब्रिगेडियर, वो बड़ा कृष्ण भक्त था, बोले ठाकुर जी इसी समय तो तेरे सिवाय कोई भी रक्षा करने वाले नहीं, इसलिए ठाकुर जी मेरे प्राण को बचाओ। उन्होंने इतना बोल करके ना वो वहां से हेलीकॉप्टर गिरा, उसको चार दिन बाद में होश आया, देखा हॉस्पिटल में, तो उन्होंने पूछे मेरे साथी वाले कहाँ गए, बोले तुम्हारे साथी वाले सबके सब शरीर छोड़ दिए। उसने सोचा जब मेरे साथी वाले शरीर छोड़े अभी मैं कैसे बच गया, उसने देखा जब वो हेलीकॉप्टर गिरा था उसी समय में मैंने ठाकुर जी को मैंने स्मरण किया था, बोले ठाकुर नहीं कतना जाके राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी है, जिसको ठाकुर जी रखिया करते हैं उसको कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। देखा ठाकुर को कृपा से मैंने बच गया, उन्होंने सोचा मेरे जो बच्चा कुचा हुआ जितना समय है और ये संसार में नहीं लगाऊंगा, ये बच्चा कुचा हुआ समय को हम ठाकुर को सेवा में लगाए, उन्होंने सारे पोस्ट को छोड़ दिए,
और वृंदावन में आए। वृंदावन में आकर के जैसे ठाकुर जी है ना राधा कृष्ण है, उनने दो राधा कृष्ण को खरीद किए, लेकर के उन्होंने ठाकुर जी का स्थापन किया। ठाकुर जी का स्थापन करते हुए उन्होंने अभी सारे समय को ठाकुर की सेवा में लगा दिया, दिन रात ठाकुर की सेवा में ही जीवन व्यतीत किया। ध्यान देकर सुनो, बोले एक समय जैसे ठंडा का समय है ना, ये ठंडा का समय था। एक दिन उन्होंने जल्दीबाजी से किसी काम की वजह से ठाकुर जी को शरीर कोबर में जो रजाई ओढ़ते हैं, ठाकुर जी को रजाई नहीं उड़ा पाए, और जो घर का जो खिड़की थी ना, वो खिड़की को भी उसने बंद नहीं कर पाए। लेकिन जब रात को सो गया, इतने में रात को ठाकुर जी ने स्वप्न दिया। उनको स्वप्न देते हैं, बोले तुमने आज मेरे को रजाई नहीं उड़ाई, ठंडा का समय है, मेरे को ठंडी लग रहा है, घर का खिड़की भी खुला हुआ है, घर की खिड़की भी खुली हुई है। इतने में उसका नींद खुल गई, नींद खुल गई तो देखा सचमुच से घर का खिड़की खुला हुआ है, और रोज जैसे ठाकुर को रजाई उड़ाता है ना, ठाकुर को पर रजाई नहीं उड़ा हुआ। बोले ठाकुर जी तेरे को भी ठंडी लगती है, ठाकुर जी तेरे को भी ठंडी लगती है। देखो शास्त्र में बताया ठाकुर जी को सेवा कैसे करनी चाहिए, बोले आत्मवत। आत्मवत मतलब है जैसे अभी ठंडी का समय है, आप लोग सब साल ओढ़ करके आए ना, सब स्वेटर पहने हो, साल ओढ़ करके आए हो, इसलिए उसी तरह ठाकुर को भी जब स्नान करते हो, ठंडा पानी में नहाते हो ना, गर्म पानी में, गर्म पानी में ना, इसलिए रोज ठाकुर जी को गर्म पानी में ठाकुर को स्नान कराना चाहिए। ऐसे नहीं स्वयं तो गर्म पानी में नहाते हो, ठाकुर को ठंडा पानी में स्नान कर दिया, ऐसे नहीं करनी चाहिए हैं। इसलिए ठाकुर जैसे आप लोग ऊन की कपड़े पहने हो, ठाकुर को भी जैसे आप लोग भी ठाकुर जी को बड़े सुंदर सुंदर कपड़ा पहना है, ऊन का कपड़ा ऐसे पहना नहीं चाहिए। जैसे ठाकुर जी को जैसे ठंडा का समय, गर्मी खाना गर्मी गर्मी खाना अच्छा लगता है, ठंडा खाना अच्छा लगती है नहीं लगती है, गर्मी गर्मी रोटी गर्मी गर्मी सब्जी, ठाकुर को भी ऐसे नहीं ठंडा हो गया ठाकुर को खिला दी, शास्त्र कहता है नहीं, कहता आत्मवत ठाकुर को अपना जैसे ठाकुर की सेवा करनी चाहिए। ठीक है ना, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये चीज देख लेना, जिसकी घर में ठाकुर को जितने बढ़िया सेवा होगा ना, उसको घर में उतना ही शांति सुख बनेगा। अब स्वयं देख लो, जो जितने अच्छे तरह से ठाकुर को खिलाओ पिलाओ सेवा करो, क्योंकि घर का मालिक तो वही है ना, सब कुछ देने वाले वही, इसलिए अपने को पहले मत देखो, पहले देखो हमारे घर में ठाकुर जी के लिए क्या बनाया, ठाकुर जी कैसे रह रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, अगर ठाकुर जी खुश नहीं रहेंगे हम भी दुखी रहेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहते चार चार वर्ण और चार आश्रम है, इसलिए 25 साल तक क्या है ब्रह्मचर्य पालन है। उसको बाद में गुरु जी से प्रश्न करते थे, गुरु जी बोलते थे बताओ अभी घर गृहस्थी करोगे ना तुम त्यागी बनकर रहोगे, बोले गुरु जी हम तो संसार करेंगे, बोले ठीक है घर में जाओ, लेकिन बेटा जो कुछ करो ठाकुर जी के लिए, घर बनाओ तो ठाकुर जी के लिए, पैसा कमाओ तो ठाकुर जी के लिए, घर में झाड़ू लगाओ तो कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, ठाकुर जी की मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, बच्चों को थपथप लगा कर सुला रहे, तो बच्चे किसने दिया है, किसके बच्चे हैं, ठाकुर जी के बच्चे हैं, इसलिए बच्चे की हमें सेवा कर रहे हैं, बच्चे बड़े बन करके ठाकुर जी की भजन करेंगे, इसलिए हम बच्चों की सेवा करें। इसलिए हर काम किसी चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज को ठाकुर के साथ में जोड़ दो, बस माला ही माला हो गया, और कुछ करने का जरूरत नहीं, हर चीज ठाकुर के साथ में जोड़ो, किसी चीज को छोड़ना नहीं। इसलिए गुरु जी कहते देख बेटा घर में जा करके अपना धर्म के अनुरूप शादी विवाह करके दोनों पति पत्नी मिल करके ठाकुर जी की भजन करो भक्ति करो। लेकिन कितने साल तक, बोले 50 साल तक, कितने साल तक, अरे मेरे तरफ में देखो सर, कितने साल तक, 50 साल को बाद में शास्त्र कहता है 50 ऊर्ध्वे वनम व्रजत, 50 साल के बाद में वृंदावन जाकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए देखो अंक जो आता है ना एकावन, क्या आता है एकावन, वन मतलब वृंदावन, वृंदावन जाओ बावन, ये वन शब्द आता है, चौवन, ये सब के सब वन शब्द आता है, मतलब घर में नहीं,
अभी वृंदावन में जाओ, जाकर के भगवान की भक्ति करो, ठाकुर जी की भक्ति करो। अगर वृंदावन नहीं जा पाए, हाँ ध्यान से सुनो बात, क्यों घर पर सो, अगर वृंदावन नहीं जा पाए तो भैया कम से कम घर में तो भजन करो। ठाकुर का नाम तो कैसे नहीं, एकदम बैठ करके सारा दुनिया की बात है, इधर उधर की सारा दुनिया की बात ताश खेलने लग गए, जुआ खेलना लग गए। भैया ये जीवन ताश खेलने के लिए नहीं, जुआ खेलने नहीं, ये जीवन तो प्रभु की भजन के लिए है। कम से कम बुढ़ापा में तो प्रभु का भजन करो, हरिनाम तो करो, गीता रामायण तो पढ़ो कम से कम है। इसलिए एका बन बाबन, अगर भजन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? देखो अंक क्या आता है, 61 मतलब क्या है, फिर तो सठिया बन जाएंगे, फिर तो और कुछ होने वाले नहीं। इसलिए भैया समय रहते भगवान की भजन घर में लग जानी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो हरे नंद बाबा उनके 5 बेटों को बुलाए, बोले देखो बच्चों हम दोनों को 50 साल हो गया है, तुम लोग बड़े भी हो गए हो, अपना घर गृहस्थी संभालो, अपना घर गृहस्थी संभालो, हम दोनों पति पत्नी अभी 12 प्रस्थ में प्रभु की भजन करने जा रहे हैं, भजन के लिए जा रहे हैं। इसलिए दोनों पति पत्नी 5 बच्चों को बुला करके बोले देखो जो सबसे बड़ा बेटा है मैं उसको राज्याभिषेक करके भजन करने जाता हूँ, लेकिन सबसे जो बड़ा बेटा था उपानंद, बोले पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन मेरे अंदर में राजा की कोई गुण है नहीं। कहते राजा कौन बन सकता है, बोले राजा वही बन सकता है सारे प्रजाओं को जो अपना पुत्र बन गए, अपना बेटे जैसे देखे वही राजा बनने की योग्य है। बोले मेरे अंदर में वो गुण नहीं, अगर ये गुण है ना ये श्री नंद बाबा का अंदर में। इसलिए कहता है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोले नंद मतलब क्या है, सबको जो आनंद प्रदान करे। तो उनने सबको क्या आनंद दिया, बोले कृष्ण को जन्म दिया है, हम लोग कृष्ण को भजन करते हुए जीवन में हमें आनंद की प्राप्ति होती है। उन्होंने नंद बाबा को राज्य विषय करते हुए श्री परिजन बाबा बस दोनों पति पत्नी 12 प्रस्थ में चले गए। जब चले गए अभी सभी की बच्चे हैं 4 भाइयों का, लेकिन श्री नंद बाबा का कोई बेटा है नहीं। उन्होंने बड़े यज्ञ किया, दान पुण्य उन्होंने बहुत कुछ किया, घर में कोई बच्चा की जन्म हो जाए, लेकिन घर में कोई बच्चा जन्म नहीं हुआ, बड़े दुखी है। एक दिन आया है एकादशी, बोले कौन सा एकादशी, बोले पुत्रदा एकादशी। ध्यान देकर सुनो, हम पहले बताया था ना जो एकादशी है इसको कल्पतरु व्रत कहते हैं, बोले जो कुछ मांगोगे एकादशी करते हुए आपको सब कुछ मिलेगा। इसलिए एक एकादशी का नाम पुत्रदा, पुत्रदा मतलब होता है जिनके घर में पुत्र संतान नहीं हो रहे हैं, आप तो पुत्रदा एकादशी व्रत करो, घर में आपके पुत्र संतान होएगा। बोले देखो हमने सारे व्रत तो किया है लेकिन अभी तक हमने ये पुत्र का एकादशी व्रत नहीं किया, चलो हम दोनों आज पुत्र का एकादशी करते हैं। जब दोनों ने पुत्र का एकादशी की ना ठीक ब्रह्म मुहूर्त में, देखना ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न देखो कभी सही होता है। उन्होंने क्या स्वप्न देखा, बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थले पयोधार स्फुट मसो क्रीड़ांगमयम लोक्यते। ठीक ही ब्रह्म मुहूर्त में दोनों स्वप्न देखा, इतने में दोनों का नींद खुल गई। नंद बाबा बोले, बोले जसोदे जसोदे मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है। जसोदा बोली मैंने भी एक स्वप्न देखा है, पहले आप बताओ क्या स्वप्न देखा। नंद बाबा बोले मैंने देखा तुम्हारी गोद में है, तेरी गोद में एक सुंदर श्याम सलोना सा बालक पल रहा है और तुम्हारी स्तन पान करते समय
ये दोनों धारों से दूध बहते बहते उसका कुर्ता भीग रहा था। जसोदा बोली मेरी स्वप्न सुन लो। बोले बता दो। बोले मैंने भी देखा मेरे पीछे एक छोटा बालक माँ माँ करते करते आ रहा है और कपड़ा खींच करके बोले मैया मेरे को गोद में ले ले, मैया मेरे को दूध पिला ले, मेरे को स्वप्न नहीं लिखा, सचमुच से कोई मेरे गोद में कोई लाला है। और उसी दिन ही मैया जसोदा ने गर्भ धारण किया, पूरा ब्रज में हल्ला हो गया, नंद के लाला होने वालों है। बोले नंद के लाला की। और जितने ब्रज की गोपियां थी ना वो सबके सब तब उन्होंने सबके सब उन्होंने क्या किया, सबके सब क्यों हाथ लगाते तू हाथ क्या, इसलिए उन्होंने देखा नंद के लाला होने वालों है। जितने ब्रज की गोपियां 6-6 महीना पहले 84-84 गज की लहंगा चुंदरी बना कर रखी, कल जैसे आप लोग पहन कर आए थे ना, कितना गज की पहन करके आए थे, कोई लहंगा चुंदरी पहने थे कि नहीं। और जितने गोप लोग थे बड़े सुंदर बगल बंदी धोती और टोपी बना करके रखे, बोले नंद के लाला होगा तो हम सबके सब बधाई देने के लिए जाएंगे हैं। इतने में एक बड़ी बड़ी गोपी थी, बोले मैया मैया तुमने कुंवारी पड़ में जुड़मे किलो तो नहीं खा ली। बोले क्यों। बोले लगता है तेरे पेट में 2 बच्चे होने वाले, जुड़मा बच्चे। बोले क्या होगा, डर गई। बोले चिंता मत कर, राम जो करेगा अच्छो ही करेगा, कोई चिंता मत करो। एक बड़ी बड़ी गोपी बोली, बोले मैया मैया लगता है तेरे गर्भ में बेटा होगा। बोले पता कैसे चला। बोले तेरा जो होठ है ना पीला पीला दिख रहा है, इसका लक्षण है बेटा होने वाले। इतने में मैया यद्यपि बड़ी जितेंद्रिय है, मैया बोली मेरे को तो खीर खाने की इच्छा कर रही है। बड़ी सुंदर गैया घी डाल करके खीर बनाए और ठाकुर जी को भोग लगाए, मैया को खीर खिलाए। देखो माताएं आप लोग ध्यान देकर सुनो, एक होता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार का मतलब होता है गर्भ में जो बच्चे रहे, देखना माँ जो कुछ करती है वो बच्चे के ऊपर वही प्रभाव पड़ता है, ठीक वही प्रभाव पड़ेगा। अगर गर्भ में बच्चा है, आप गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, देखोगे वो बच्चा इतने संस्कारी बनेगा, सवेरे होते ही पिता माता की चरण छुएगा, पिता माता की आदेश पालन करेगा, बड़ी सेवा करेगा, हैं बड़ी सेवा करेगा। अगर गर्भ में बच्चा है उल्टा पुल्टा भीली में देखोगे, गंदी गंदी बात करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, फिर बच्चा भी ऐसे ही बच्चा जन्म होगा ऐसे है। आप लोगों ने रामायण देखे होंगे, जब मैया सीता गर्भ धारण की हुई थी उसी समय में बड़े बड़े संत लोग आए अयोध्या में, आए तो भगवान राम बोले सीते आज हमारे दरबार में सत्संग होएगा। देखो ठाकुर का क्या इच्छा, देखो बड़े बड़े संत बिना कारण बुलाए हुए आए, सीते अगर इसी समय में तू सत्संग सुनोगे बच्चा बहुत अच्छे बनेंगे। इसलिए मैया सीता बैठ करके सत्संग सुनी, जिससे कौन जन्म हुए, लव और कुश। देखो लव कुश को क्या बलवान बने, क्या बुद्धि। भगवान राम दरबार में राम की कथा सुनाया करते थे, क्या उनकी गाते थे, क्या सुरीले कंठ है इसकी। इतने बलवान हनुमान को और सुग्रीव को लक्ष्मण शत्रु को धराशायी कर दिए, इतने पराक्रमी बने। क्यों, गर्भ में रहते समय सीता जी ने सत्संग सुना। अब भागवत में जब प्रह्लाद महाराज बच्चों को बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुना रहे थे, ज्ञान की बात सुनाए, इतने में बच्चे बोले ना कल प्रह्लाद हमारी गुरुजी संधामर का तो ये बात सुनाते नहीं, तो इतने अच्छी अच्छी बात कहाँ से सीखे। बोले मेरे गुरुजी थोड़ी संधामर के, मेरे गुरुजी तो नारद है। जब मेरी मैं माँ की पेट में था, एक दिन इंद्र माँ को पकड़ करके ले जा रहा था, इतने में नारद जी आकर के बोले देखो इसकी पेट में भक्त श्रेष्ठ प्रह्लाद महाराज, इतने बड़े भक्त हैं, तू क्या मारोगे इसकी मैया को। इसलिए जगत में कोई मारने के लिए बाल भी कोई बांका नहीं कर सकते। क्यों, इसकी गर्भ में भगवान की भक्त श्री प्रह्लाद महाराज है। तब नारद जी मेरे मैया को लेकर के आश्रम पर गए और उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर की कथा सुनाई, और मैं माँ की पेट में बैठी बैठी कर सारी कथा को सुना। मेरे गुरु जी श्री नारद जी है। बोले श्री नारद बाबा की। इसलिए मैया जसोदा को ठाकुर जी की सुंदर सुंदर कथा सुनाई जाती है, सुंदर सुंदर ठाकुर का तस्वीर दिखाते हैं, जैसे उसके ऊपर में अच्छे बच्चे के ऊपर अच्छे संस्कार बने। अभी
जसोदा मैया श्री नंदा बाबा की एक बहन थी जिसका नाम थी सुनंदा। क्या नाम थी? जोर से बोलो, सुनंदा। जब देखा भाभी गर्भधारण की है, उसने 6 महीना पहले आकर घर में बैठी गई। बोले क्यों? बोले मेरे को 9 लाख की हार मिलेगी, 9 लाख की हार मिलेगी। वो 6 महीना पहले घर में बैठी गई। बैठ करके घर का सारे काम काज को सुनंदा कर रही थी, सारे काम काज को है। इतने में सुनंदा जब कर रही थी, ऐसे लग रहा था आज रात को घर में बालक की जन्म हो जाएगा। जैसे गांव है, जैसे ये गांव है, आप देखना अभी तो सब इलेक्ट्रिक आ गए, लेकिन पहले तो इलेक्ट्रिक नहीं होता था। क्या करते थे लोग, शाम होने से पहले भजन कर लेते थे और जल्दी जल्दी सो जाते थे और जल्दी जल्दी उठ जाते थे। जैसे यहाँ पर गैया भैंस है, सब 4 बजे उठ जाते हैं और गैया भैंस को खाना खिलाना, दूध निकालना, ये सब गाँव की रिवाज है। हैं? इसलिए पहले लोग ऐसे काम करते थे, कोई रोगी नहीं रहते थे, सब निरोग रहते थे। और घर घर में गैया पालते थे। क्या पालते थे? घर घर में गैया भैंस की पालते थे, जैसे तुम लोग पाल रहे हो। लेकिन अभी तो गैया भैंस ही पालते नहीं, अभी कुत्ता पालने लग गए। लेकिन जो गैया भैंस को पालो ना, गैया की सेवा कर दो, गैया की मूत्र और बिष्ठा में ना लक्ष्मी सरस्वती की निवास है, है? लक्ष्मी सरस्वती और गैया का शरीर में 33 करोड़ देवता की पूजा है। हमारी क्या संस्कार है, घर का पहला रोटी गैया के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। लेकिन घर में कुत्तों को पालने नहीं चाहिए। पुराण पढ़कर देखो, कुत्ते को स्पर्श करने से आप ठाकुर की पूजा सेवा नहीं कर सकते, पूजा सेवा नहीं कर सकते, फिर पाप लगेगा, क्योंकि कुत्ते को अपवित्र मानी गई है। इसलिए घर की बाहर में कुत्ते को रखी जाती थी, है ना। कुत्ते पालना बोल नहीं, घर के लिए जरूरत नहीं। आप देखना किस कुत्ते को रोज रोज एक रोटी दो, तुम्हारे घर को सामने बैठ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। इसलिए कुत्तों को घर में नहीं घुसानी चाहिए, शास्त्र मना किया। लक्ष्मी भी खत्म हो जाती है, सारे पाप लगती है, उनको स्पर्श करने से स्नान करना पड़ेगा, तभी ठाकुर को सेवा करोगे, नहीं तो नहीं। कोई चीज बन रहा है, अगर कुत्ता देख लिया तो ठाकुर को सेवा में वो चीज नहीं लगती है, हैं? इसलिए अभी सुनंदा ने किया कि आकर के उन्होंने 6 महीना पहले बैठ करके घर का सारे काम काज को ये सुनंदा कर रही थी। ऐसे लग रहा था माना आज ही लाला की जन्म हो जाएगा। गांव में जल्दी जल्दी सो जाते हैं, बोले एक काम करो, 2 घंटा 2 घंटा की ड्यूटी लगवा दो, 8 से 10, 10 से 12, पता नहीं लगता आज ही बेटा जन्म होगा। अभी 8 से 10 बजे जिनको ड्यूटी लगाया ना, वो सबके सब मजरा ढोलकी दे दिए, सबके सब बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय Yeah.
गोकुल में कृष्ण और जोग माया जन्म लिया, और जो मथुरा से जो कृष्ण लाए थे वो अंश कृष्ण है, लेकिन वृंदावन में जो कृष्ण हुई वो पूर्ण कृष्ण, पूर्ण कृष्ण अंश कृष्ण को तदाप मिला दिया, इसलिए किसको पता ही नहीं चला। अभी जब सुनंदा की नींद खोली, सबके सब सोए पड़े हुए, किसकी कोई होश आवास नहीं, बोले भैया भाभी का क्या हालत है, तो देखो, देखा मैया की गोद में बड़ा सुंदर एक श्याम रंग का बालक किलकारी मारते हुए खेल रहा है। बोले भैया किसको पता ही नहीं चला लाला की कब जन्म हो गई। तो उन्होंने एक लिया उनने थाली लिया, अरे बड़े जोर जोर से बजा बजा करके, बोले भैया नंद के लाला की, बोले भैया नंद की लाला है, जग जाओ जोर जोर से बजाए, अरे सब के सब जग गए। इतने में सुनंदा बोली, 6 महीना पहले से बैठी हूँ, क्यों नवला की हार की चक्कर में, अभी भैया तो ढूंढो, भैया कहाँ पर। उनने भैया को ढूंढते ढूंढते ब्रह्मांड घाट में मिला, भैया तो माला जप कर रहे थे, नंद बाबा क्या माला जप कर रहे थे, बोले घर में छोरा कब है गो, लाला कब है गो, छोरा कब है गो, वही सोच रहे थे। इतने में सुनंदा जा करके बोले भैया कमाल है रे, अरे इतना बोलते नंद बाबा तो छलाक लगा दियो, बोले बहनी कहा भई हो, बोले 6 महीना पहले बैठी हूँ, ऐसे थोड़ी बैठी हूँ 6 महीना पहले है, इसलिए बताओ क्या मिलेगा। बोले ले नवला की हार ले ले, बता दे घर में कहा भई हो, बोले भैया इससे काम नहीं बनने वाले, बोले नवला की हार है, हैं? बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी, बता और क्या दोगे, बोले ये जमुना किनारे में जो गैया चरते हैं ना, जितने जमीनी जगह तेरे नाम पर लिख दिया, ले। बोले भैया और क्या दोगे, बोले दे तो दिया और क्या चाहिए, बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी है, और क्या दोगे, बोलो, बोले घर का सारे ट्रेजरी का सारे चाबी काटी तू ले ले, लेकिन ये बता तो सही घर में क्या हुआ है, बोले भैया तेरे घर में लाला भयो हे, ताली बजाओ जोर से। और नंद बाबा तो वहीं से दौड़ लगाए, क्यों भविष्य में कोई बेटा ही नहीं घर में जो कि राज्य पाठ को संभाले, इतने उन्होंने तपस्या यज्ञ दान पुण्य किया था, घर में कब छोरा हो, लेकिन जब उन्होंने घर में छोरा जन्म हुआ वहीं से दौड़ लगाए। जितने ब्रजवासी थे बोले नंद बाबा जीवन में पहला बार लाला का मुख दर्शन करोगे, अरे थोड़ा सज-धज करके जा, अभी पूरा ब्रजवासी आएंगे बधाई देने के लिए। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बगल बंदी धोती टोपी गले में माला पहना दिया, बोले देखो कैसे लग रहा हूँ, बोले बढ़िया तो लग रहा हूँ लेकिन कसर रह गई एक चीज की, बोले किस चीज की, बोले दाढ़ी थोड़ा काली थोड़ा सफेद है, बोले चिंता क्यों कर, दाढ़ी को भी कलर कर देते हैं, दाढ़ी को भी कलर कर दिया, बोले देखो अभी कैसे लग, भैया चोखो लग रहा हूँ, बढ़िया लग रहा हूँ,
ले जा लाला के दर्शन कर। जब उन्होंने आए और लाला के जब मुख दर्शन किया इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने मन मन में बोले ब्राह्मण और संतों को 20 लाख गैया दूंगा, सींग को सोने में बढ़ा करके, खुर को चांदी में बढ़वा करके, 7 तिल का पर्वत है, मखमल बल कपड़े से ओढ़ करके साधु संतों को ब्राह्मणों को मैं दान दूंगा। उन्होंने संकल्प कर लिया, बोले ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद से घर में लाला हुआ है, पहले ब्राह्मण को बुलाओ। ब्राह्मण लोग सोचती बात करके पहले लाला को आशीर्वाद दे। सारे ब्राह्मण संत आए, बड़े सुंदर स्वस्ति वाचन पढ़ करके लाला को आशीर्वाद दियो है। बोले जाओ पूरा ब्रज में ढिंडरा पिटवा दो, सबके सब ब्रजवासी लाला को आशीर्वाद देने के लिए आए। जितने गोपियां थी ना, बड़े सुंदर श्रृंगार करके, वो तो 6 महीना पहले ही 84 गज की लहंगा चुंदरी बना कर रखे थे, पहन करके दूध दही मक्खन को लेकर के आ रही। जब आ रही थी, कान में सुंदर कुंडल पहन रखी थी, वो कुंडल जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों? बोले तुम लोग जाने से पहले हमें छोड़ दो, लाला को जाकर हम पहले बधाई दे। और चोटी में जो सुंदर माला की श्रृंगार की थी चोटी को, एक एक फूल गिरते गिरते इनकी चरण में गिर रहा था। बोले किसी लिए? बोले जो व्यक्ति कृष्ण को बधाई देने जाती है उनकी चरण की पूजा करनी चाहिए। अगर चोटी में रहेंगे तो खोल करके यमुना में बहा देंगे, अगर ब्रज रज में मिल जाएंगे क्या होगा? कृष्ण जब बड़े होकर के गली गलियों में ठाकुर जी घूमेंगे, ठाकुर जी का चरण किस स्पर्श हमें मिलेगा। इसलिए जितने ब्रज गोपियां थी ना, हाँ जितने गोपियां थी, मैया जसोदा को बधाई दे रही थी, हैं आकर के मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, आप लोग जोर से बोलना बधाई हो, बधाई हो, ठीक है। देखो पहला तुम्हारी नंबर और बाद में गोप का नंबर है, पहले गोपियों का नंबर, लेकिन गोप तो ज्यादा दिख नहीं रहे थे, गोप तो छोड़ चुके, बहुत कम है, ठीक है। आप लोग जोर से बोलना, बोले मैया जसोदा बधाई हो। आनंद नहीं आया कुछ, अभी भी कुछ माताएं चुपचाप बैठ रही है, ठाकुर जी आए उनको बधाई नहीं दे रहे, जोर से बोलना और एक बार, बोले मैया जसोदा बधाई हो। इसलिए मैया बोली बधाई हो गोपियों, ये बूढ़ी उम्र में भी लाला का मुख दर्शन करने को मिला है। ये लाला मेरो नहीं, ये लाला तो तुम सबको लाला है। और जितने गोपियां थी ना, लाला को आशीर्वाद दे रही थी। बोले क्या बोल रही थी? बोले जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो इसलिए क्या करनी चाहिए? भगवान राम भी सवेरे उठ कर क्या करते थे? बोले प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमः माता। ठाकुर सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता की चरण छूते थे। अब जिसकी को भी चरण छोगे हृदय से आशीर्वाद आएगा, ठीक है ना। माता पिता हो तो अच्छी बात है, बच्चे लोग छूते हो? कोई कौन छूते हो पिता माता की चरण? कोई नहीं छूते, कोई छूते हो कि गुजर में छूते नहीं? हाँ छूते नहीं ना पिता माता की? हाँ हाँ बचपन से सिखाया नहीं है, इसलिए क्या करनी चाहिए? पिता माता की चरण छूनी चाहिए। अगर पिता माता हो तो है, लेकिन घर के जो बहुएं हैं क्या करनी चाहिए? सास ससुर की चरण छूनी चाहिए। छूते कि नहीं तुम्हारे सामने गुजर में छूते हैं?
छूते कि नहीं गुजर में छूते हैं ना सास ससुर। हाँ देखो इधर सुना, ध्यान देकर सुनो। अरे बच्चों को कोई बात कर रहे हैं उनको चुप रखो, जो खेल रहे हैं उसको बोले बाहर जाकर खेल। हाँ इधर सुना ध्यान देकर के। जो बहू मानो तीन भाई है, तीन भाई में दो तीन बहू है, देखना सास ससुर की सेवा की बड़ा महत्व है। जो देखना जो बहू ज्यादा सास ससुर की सेवा करेगी घर का सारे चांदी सोना किसको पास में रहता है, सास ससुर के पास में रहता है ना। एक दिन ये बंटवारा हुई, जो बहू देखना ज्यादा सेवा करेगी बंटवारा होने से पहले वो उठा कर उसे दे देगी, बोले क्यों उसने सेवा की है, जो सेवा करेगा उसको तो महिमा मिलेगा ना, वो पहले ही उठा करके उसको दे देगी। हैं बोले तू पहले रख ले, लेकिन बंटवारा होगी ना एक बराबर बंटवारा होगी। इसलिए सास ससुर की सेवा करना बड़ा महत्व है। और एक चीज समझो, जा जो सास ससुर की सेवा करेगी, तुम्हारे बच्चे तो देख रहे हैं, बच्चे का संस्कार कहां से बढ़ता है, पिता माता से। जब कोई सास ससुर की सवेरे उठ कर चरण छुएगा उसका बच्चा तो देख रहा है ना, उसको बेटी भी देख रहे हैं, वो क्या सीखेगी, नहीं मेरी जो माँ थी सवेरे उठ करके पहले सास ससुर की सेवा करती थी, उनकी चरण छूती थी, बचपन से वही संस्कार पड़ेगी, वही तो देख देख कर संस्कार पड़ती है ना। इसलिए नियम है पिता माता की सेवा करनी चाहिए, उनके हृदय से अगर आशीर्वाद निकले ना, बड़े बड़े जो भाग्य में अगर कोई बुरा चीज हो, तुम्हारी ललाट में कोई गंदी चीज हो, सास ससुर की वृद्धा आदमी की सेवा करने की इतने फायदा है, अगर उनके हृदय से आशीर्वाद निकले ना, ब्रह्मा की अगर कोई उल्टा पुल्टा यहाँ लिखा हुआ वो भी मिट जाती है, बुजुर्ग को आशीर्वाद से वो भी मिट जाती है। इसलिए क्या करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, हाँ सेवा करनी, सेवा से ही महिमा मिलेगी। देखो एक छोटी सी कहानी सुनो, अब देखना सास सास बहू की अक्सर करके भाई लड़ाई होती है, होती कि नहीं, सास बहू की बड़ी लड़ाई, अभी रोज रोज घर में लड़ाई करते 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 अभी जो बहू थी ना वो बहू आ गई अपना पिहर में, बोले और मैं वहां में नहीं जाऊंगी, बोले क्या हो गया, बोले ऐसे ऐसे रोज रोज लड़ाई झगड़ा है। तब उसने एक संतों के पास में गया, बोले बाबा कुछ उपाय बता दो। बाबा ध्यान देकर सुनो, जितने बोलोगे अच्छी तरह से सुनो, बोले देखो मैं तुमको एक चीज देता हूँ, हैं एक चीज देता हूँ, जब झगड़ा होगा ना इसको अपना मुंह में रख दो, मुंह में धर दो, फिर लड़ाई नहीं होगी, फिर देखना तेरे जो सास ससुर पूरा तुम्हारे हाथ की मुट्ठी में आ जाएंगे। और घर में पहले बड़ी लड़ाई, इतने लड़ाई झगड़ा होती थी सोच भी नहीं सकते, इतने लड़ाई झगड़ी, लास्ट में वो आ गई थी अपना पीहर, बोले इससे शांत हो जाएगा, बोले चिंता मत करना, एक महीना में देखना घर का सब कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, हाथ की मुट्ठी में आ जाएगी। बोले ऐसे तो बोले हाँ, वो कुछ पाउडर था, अभी जब घर में लड़ाई होना, और रोज गाली देती थी उसकी बहू सास ससुर की, बड़ी गाली बकती थी, उसकी देवर को भी गाली बकती थी, ननद को तो गाली बकती थी। अभी क्या हुआ, जब लड़ाई हुई ना, संत ने बोले घर में जाओ, अब लड़ाई का समय मुंह में डाल देना उतना पाउडर, अगर वो मुंह में डाल दो तो मुंह बंद हो जाता है पाउडर जैसे। अभी घर में आए तो अगर सास ने कुछ बोल दी, बताओ दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर एक व्यक्ति कुछ बोले, दूसरे व्यक्ति अगर चुप रहे तो लड़ाई होगी, बोलो लड़ाई होगी, लड़ाई हो ही नहीं सकती है। जब सास बोई में कुछ हो तो पाउडर डाल देती है, उसका मुंह बंद है, अब कुछ बोलती नहीं। सास बोली इसको क्या हो गया, पहले तो लड़ते झगड़ती थी लेकिन इसका मुंह कैसे बंद हो गई, वो कुछ बोलती नहीं। ससुर बोली ये कैसे हो गया, ये चुप कैसे रहती है, हैं इतने में तो दो चार दिन ही गया ना, देखो भैया हमारी बहू तो सही हो गया, ये तो एकदम घर की लक्ष्मी बनी गई, पहले घर का जितने चाबी काठी दूध की पैसा सब्जी की पैसा कौन देती, सास देती थी। जब उसका परिवर्तन उसने देखा, धीरे धीरे ना सास ससुर इतने खुश हो गए, और सवेरे उठ करके बोलती देख, सवेरे उठ करके पहले सास ससुर की चरण छूना, क्या करना सास ससुर की चरण छूना, रोज चरण छूती है और रोटी सब्जी बढ़िया से खिलाती है। अभी मुंह उसकी बंद हो गई, मुंह जब बंद हो गई 5 दिन में ना घर की परिवेश बदल गया, 5 दिन में। इतने में जो सास थी ना बोले भैया घर का चाबी काटे तू तू ही संभाल, दूध का पैसा भी तू दे, सब्जी का पैसा तू दे। और 10 दिन 15 दिन में ना पूरा का पूरा परिवर्तन हो गया,
जब वो बहु घर में आती थी बोलती सास तो पिशाचिनी है, ससुर तो डाकिनी है, और ननद तो जो सोच भी नहीं गाली देता था। लेकिन अभी इतने परिवर्तन हो गया घर की, जब वो घर में आए घर वाले पूछे सास ससुर कैसे, वो पिशाच कैसे, पिशाच बोले नहीं उनको पिशाच पिशाच नहीं बोलना, वो तो साक्षात लक्ष्मी बन गए, साक्षात देवता बन गए। अभी तो सब घर का चाबी काठी अभी सब मेरे पास में आ गया। उसने देखा 15 दिन में सब शांत हो गई। जब शांत हो गई वो बाबा को पास में आई, वो पाउडर लेकर बोले बाबा आपने ऐसे कौन सा जादू टोना दिया, सचमुच से घर का परिवेश बदल गया पूरा पूरा, घर का सारे चाबी काठी सब कुछ मेरे पास में आ गया, ऐसे कौन सा जादू दिया, इसलिए मैंने वो पाउडर तो वो वापस देने आया, 15 दिन में सही हो गई है, ऐसे क्या जादू दिया तुमने। मैंने सोचा अगर ये पाउडर अगर और किसको दे देना भैया और किसी घर का भी कल्याण हो जाए, और किसी घर का भी कल्याण, बाबा इसको ले ले। बोले बाबा ये बताओ तुमने क्या इसे दबा दिया है। बोले कोई मंत्र फंत्र नहीं, लड़ाई तभी होती थी जब एक दूसरे से बोले दूसरे तीसरे से बोले, एक बोले तो दो, दो बोले तो चार, तभी लड़ाई होती थी। लड़ाई का यही कारण है, कोई कोई जादू टोना नहीं, ये पाउडर का कमाल है, हैं पाउडर का कमाल। आप बताओ ये महाभारत क्यों हुई, इतने बड़े महाभारत क्यों हुई। द्रौपदी ने इतनी सी बात बोल दी थी, अंधा का बेटा अंधा, केवल इतनी कारण से सारे महाभारत का जड़ यही। घर में भी देखे ना जीवा से थोड़ी जीवा स्लीप हो गई, तुम्हारी कुछ नहीं हुआ, जीवा तुम्हारी थोड़ी स्लीप हो गई, बस इतने से हमारे घर में भी महाभारत हो जाती है। बताओ रामायण क्यों हुई, मैया सीता ने इतनी सी बात बोल दी थी, जब मारीच ने हिरण बन करके आई, हिरण बन करके आए तो इतने में मैया सीता बोली हिरण को पकड़ कर ले आओ, प्रभु राम पीछे चले गए, लेकिन वो हिरण नहीं वो था मारीच। जब भगवान राम की पकड़ में नहीं आया लास्ट में उसने बाण मारे, लेकिन वो था राक्षस। जब बाण मारे इतने में मारीच ने क्या बोले, बोले भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। सीता बोली लक्ष्मण तुमने सुनिए है, तेरे भैया ऊपर कोई विपत्ति पड़ी है, जाओ उसको रक्षा करने के लिए। लेकिन लक्ष्मण को पता है, क्या पता है, मेरे प्रभु राम को कोई जगत में कोई जन्म नहीं हुए जो राम को कोई हरा सकता है। बोले नहीं भैया को ऊपर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती, इसलिए भैया मेरे को बोल करेंगे ये राक्षस लोग यहाँ आस पास में रहते हैं, इसलिए आपको अकेले छोड़ने के लिए मना की है। इतने में सीता क्या बोली, बोले मैं समझ गई हूँ तू साथ में क्यों आया था, ओ तू ये सोच रहे हो राम मर जाएगा तो तुम मेरे से शादी करोगे, बस इतनी सी खबर, राम मर जाएगा तो तुम मेरे शादी करोगे, इतनी सी बात से लक्ष्मण कहाँ सहन कर सकता है, जिसको जिंदगी भर अपना माँ समझा, इतनी सी सुन करके लक्ष्मण बोले अभी तक मैंने कभी प्रभु राम की आज्ञा को अवज्ञा नहीं की, लेकिन जीवन में पहला बार राम के आदेश को मैंने उल्लंघन कर रहा हूँ। उन्होंने बोले देखो भाभी एक काम करना, ये जो लक्ष्मण रेखा को मैं काट करके जा रहा हूँ, तुम ये लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना। सीता मैया वही दो गलती थी, एक तो जीवा को चलाई, हम लोग को सिखा के लिए तो माँ है लक्ष्मी है, और रावण जब आए उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार किया तो क्या हुआ, रावण उठा करके ले गया, कौन ले गया, इसलिए कहते भैया माताओं को स्त्रियों को अपना मर्यादा का रेखा पार नहीं करनी चाहिए, खाली रावण उठा कर ले जाएगा। आप बोलोगे रावण तो त्रेता युग में था, बोले भैया पहला तो एक रावण, अभी घर घर में रावण है, अभी जो रावण है ना रोड रोड में घूम रहे घर को सामने, इसलिए माताओं को लड़कियों को अपना मर्यादा भी ए बच्चों की बच्चों को चुप करो, इसलिए क्या करो अपना घर में है अपना मर्यादा रेखा को पार मत करो, और क्या करो अगर घर में शांति सुख चाहते हो एक ही काम करो, ये जीवा को कंट्रोल करके रखो, बस केवल ये जीवा की वजह से जितने महाभारत रामायण हो गया एक बोली से। इसलिए अगर आप भी अगर जीवा को कंट्रोल कर रखोगे ना बस आपका घर भी अयोध्या बना रहेगा, क्या बना रहेगा, इसलिए अयोध्या बन जहां पर कभी युद्ध नहीं होता है, अवध जहां पर वध नहीं होता है, इतनी सी मंत्र को लेकर के जाओ कथा से, ठीक है। और पिता माता की चरण छुओ, सास ससुर की सेवा करो, उनकी चरण छुओ, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी आदर जतन दो, क्योंकि अभी हम जैसे करेंगे
भविष्य में बच्चे भी देख करके वही चीज को सीखेंगे, हम जो करेंगे हमें भी वही फल मिलेगा। अगर हम इतना बड़ा पत्थर किसको मारे तो हमारे लिए इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ है। ये चीज को समझ करके हर चीज को सावधान होकर के घर संसार करो, भगवान की भक्ति करो और जीवन में खुशी रहो, ठीक है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोले कन्या को आशीर्वाद दे रहे थे, जुग जुग जियोरी यशोदा मैया तेरो ललन, आशीर्वाद हृदय से देख रहे थे हैं। जब दे रहे थे इतने में सबके सब लोग आ गए, लेकिन केवल दो व्यक्ति अभी तक नहीं आए। बोले कौन कौन? एक वृषभानी महाराज और एक कीर्तिका सुंदरी। कहते नंद बाबा और वृषभानी महाराज में बड़ी मित्रता थी हैं, बड़ी मित्रता थी। बोले ये दोनों आ जाए ना, फिर तो उत्सव शुरू हो गया। उन्हें देखते देखते देखा कीर्तिका सुंदरी और श्री वृषभानु महाराज प्रवेश कर रहे और सर पर घी दूध मटकी को लेकर के आए। अभी उत्सव प्रारंभ होएगा, एक गोप ने क्या किया, लठिया लेकर के उनके सर में जो मटकी थी ना, मटकी को जोर से मारी, मारते ही मटकी तो फूट गई और दूध दही से कीर्तिका सुंदरी स्नान कर लिए है। जब स्नान कर लिए, कहते दही में घी और हल्दी मिला करके एक दूसरे को ऊपर में लगा रहे थे और बोल रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और मक्खन की डेले को डेले एक दूसरे को ऊपर फेंक रहे थे। एक माता जी थी 100 साल की बुढ़िया, जिसकी एक भी दांत नहीं, वो तो ऐसे देख रहे थे। बोले भैया नंद महोत्सव तो बड़े जोर से हे रहे। एक गोप ने एक मक्खन की डेला उठाई और माता जी के मुंह को लक्ष्य करके मारे मक्खन की डेली, एक दांत थी नहीं और मुंह में लगा तो सीधा अंदर में सटक गया। बोले भैया नंद महोत्सव में कोई भूखे नहीं रह रहे हैं, इसलिए गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सब के सब गा रहे थे। अभी नंद बाबा राजा है ना, अब तो देखना हम लोगों का जो गुजर लोग है आंगन कितने कितने बड़े बड़े बनाए हैं, कितने बड़े 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 आंगन है। और तो नंद राजा है, उनका आंगन भी बहुत बड़ी आंगन है। इतने दूध दही लेकर के आए थे, वो दूध दही से तो पूरा के पूरा वहां दूध समुद्र जैसे बन गया। और नंद बाबा बैठ बैठ करके देख रहे थे। कुछ गोप ने नंद बाबा को पकड़ लिए, बोले बाबा तेरे घर में आज लाला भयो है, देखे सारे ब्रजवासी नाच रहे हैं, कम से कम आज का दिन थोड़ा तो नाच ले। उनको पकड़ करके आंगन का बीच में ले आए। नंद बाबा देखने में कैसे बड़े सुंदर लंबे चौड़े गौर वर्ण के, और अपना कमर में एक फेटे बांध कर रखे थे, और एक तरफ में नंदगांव के गोप, दूसरे तरफ में बरसाना के गोप, दोनों को दोनों तरफ से पकड़ लिए। जब पकड़ लिए इतने में लग रहा था मान या खीर समुद्र मंथन होने जा रहा है। कल हम लोग ने लवण समुद्र मंथन की कथा सुनी थी। सबसे पहले हला हला बीज निकला, जिसको भोले बाबा ने पान करके गले में धारण किया, इसलिए शंकर जी का एक नाम हो गया नीलकंठ। बोले श्री नीलकंठ महादेव की। अभी यहाँ पर सबसे पहले क्या निकला, बोले नंदस्तु आत्मदाता लाज महा। यहाँ पर स्वयं आनंद कंद भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए, ठाकुर जी प्रकट हुए। कल जो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकला था वहां से, लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित यहाँ पर समुद्र मंथन से, यहाँ पर नंद महोत्सव में नंद बाबा इतने सोने चांदी को दान दी, ब्राह्मण लोगों तो गठली बांध कर भी ले नहीं पा रहे थे, गठली की कोने से निकलते निकल जा रहा था। अली गलियों में ये हीरे जवाहरात बिखरा हुआ था अली गलियों में, हाँ? इतने दान दी। और वहां पर श्री भोले बाबा भी आए थे दर्शन करने के लिए, नंद बाबा तो 20 लाख गैया दान दिया
हैं, इतने में शंकर तो चक्कर में पड़ी गई। बोले क्यों? बोले भैया पर नंदी भी तो बैल, ऐसे हो ना हो ये गैया को दान देते देते भूल से अगर मेरे नंदी को दान दे दे तो मैं फिर बैठ कर किस में जाऊंगा। इसलिए शंकर तो नंदी को पूछ को पकड़ ली, मेरे नंदी नहीं चले जाए। वहां पर श्री काल, वहां पर मैया पार्वती भी आई थी, उनके भी दो लाला है। कौन कौन दो लाला है? कार्तिक और गणेश। अभी कहते हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, उन्होंने कितने हाथी और घोड़े दान दिया ना। यहाँ पर तो भैया पार्वती डर गई, बोले भैया मेरा बेटा भी तो गजानन है, मेरा बेटा भी तो गजानन गणेश, हाथी का मुंह है, हो ना हो हाथी दान देते तो मेरे लाला को भी हाथी नाल के दान नहीं देते। इसलिए उन्होंने अपना बेटे को गोद में उठा करके अपना चुपका कर खड़ी हुई थी। वहां पर धन कुबेर भी थे। धन कुबेर कौन है? सारे स्वर्ग में जितने हैं धन दौलत की जो मालिक है, ट्रेजरी जिसको पास में, लेकिन नंद बाबा इतने दान दी स्वयं। वहां पर कहते श्री कुबेर भी उनका सर नीचा हो गया। बोले भैया मेरे पास में भी इतना धन दौलत है नहीं, आज ये इतने धन दौलत को दान दे रहे। वहां पर नंदी बंदी वो सबके सब आए हुए थे, जांचक लोग आए हुए थे। इसलिए जो जितने दान मांग रहे थे ना नंद बाबा, तो उन्होंने उनको डबल डबल करके दान दे रहे थे, जिसके अंदर कसर नहीं रह जाए। इतनी नौ वहां पर दान दिए। आप बोलोगे इतने धन दौलत कहां से आ गए, जो कि रोड रोड में भी माँ लक्ष्मी ऐसे लग रहा था जैसे रोड रोड में मैया लक्ष्मी खूब नाच रही है। इतने धन लोग तो कहां से आए नंद बाबा दिए। बोले जब श्री कृष्ण जन्म हुए ना, कहते भगवान की जो लादिनी शक्ति, उनकी जो स्वरूप शक्ति, आनंदनी शक्ति श्री राधा रानी प्रकट हो गई। ये राधा रानी कौन है? ये सर्व लक्ष्मी मई, जितने लक्ष्मी जहां से प्रकट हुई है सर्व लक्ष्मी मई श्रीमती राधा रानी। राधा रानी ने आदेश दिया आज पर प्रियतम की जन्म उत्सव में इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात दान हो, जब तक ये दुनिया रहे तब तक याद करे। क्या याद करे? तब तक मेरे प्रियतम की जन्म उत्सव में कितने दान पुण्य किए हैं। इसलिए सबके सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो। लेकिन एक व्यक्ति बड़ी गुमसुम होकर दुखी होकर बैठी हुई थी। बोले कौन? बोले रोहिणी। बोले क्यों? बोले ये है प्रसिद्ध भद्रिका। बोले प्रसिद्ध भद्रिका का मतलब क्या है? बोले जिसका पति विदेश में और विपत में पड़े। पति कौन है? वसुदेव महाराज। विदेश में कहां? मथुरा में। कहां पर? जेल में। अगर जिसका पति जेल में बंद हो पत्नी सबके सामने नाचेगी क्या? नहीं नाच सकती है। इसलिए और बलदेव प्रभु 15 दिन पहले बलदेव प्रभु जन्म हुए। जन्म से वो आंख बंद करके रखे। बोले सर्वप्रथम में अपना छोटे भैया कृष्ण को देख करके दुनिया को मैं देखूंगा। इतने में श्री नंद बाबा देखे भैया महोत्सव में सारा दुनिया नाच रहे गा रहे, लेकिन हमारी नंद के घर के जो सदस्य रोहिणी कहाँ है? देखा रोहिणी तो दुखी होकर बैठी हुई। नंद बाबा बोले जस रोहिणी घर में तो दो स्त्री हो, एक जसोदा और एक रोहिणी। अभी तो जसोदा ने बच्चा जन्म दिया, वो तो कुछ काम कर ही नहीं सकती, अभी तो देखभाल तेरे को करना पड़ेगा ना। अरे कम से कम आकर के लाला को आशीर्वाद तो दे दे। इतने में रोहिणी आकर के उन्होंने बलदेव प्रभु को कृष्ण को पास में सुला दी। और इतने में बलदेव प्रभु ने आंख खोली, आंख खोली तो सामने श्री कृष्ण को दर्शन की। और कृष्ण दर्शन करते ही वो इतने प्रसन्न हो गई, वो आनंद को रख नहीं पाई, वो भी ठुमक लगा करके नाचना शुरू कर दी। बोले श्री नंद के लाला की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रोहिणी च महाभागा, ये जो माता रोहिणी है ये बड़ी भाग्यवती है। क्यों? कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए, लेकिन नंद उत्सव हो रहा है गोकुल में, लेकिन ये मंद महोत्सव का आनंद केवल श्री रोहिणी मैया ली, इसलिए कहते रोहिणी महाभागा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। छाई तीनों लोकन में
हरे कृष्णा हरि हो बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्जुन जा उन पर बैठ जा। बोले श्री नंद के लाला की जय। सब जन काफी लोग बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। याद आया कि अरे अरे मैंने तो बहुत बड़ी भूल कर दी। बोले क्या गलती हो गई?
पर इतने समय तक तो, क्योंकि नंद बाबा के घर में कोई संतान नहीं थी, उनको कोई चिंता नहीं थी कि परवर्ती काल में कौन बच्चा तो है नहीं, तो इसलिए क्या उनको कोई चिंता नहीं थी, कंस को कोई भी टैक्स नहीं दे रहे थे। लेकिन अब जैसे ही नंद बाबा के घर में कृष्ण का जन्म हुआ, नंद बाबा के हृदय में अनेक अनेक हिलोरे उठने लगी। बोले कब लाला बड़ा होगा, कब लाला की शादी होगी, घर में बहू आएगी, ऐसे अलग अलग विचार नंद बाबा के हृदय में उठ रहे थे। तभी उनको हटा के याद आया कि मैंने कंस को टैक्स तो दिया नहीं, कंस उस समय पे राजा है तो उसको टैक्स दिया नहीं, इसलिए क्या किया, गोपान गोकुल रक्षायाम निरुप्यम मथुराम गता नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु गुरुत्वः। वार्षिक कर देने के उद्देश्य से नंद बाबा कंस को मथुरा की ओर चले गए। जब मथुरा में गए तो उस समय पर मथुरा से कृष्ण की मौसी जी आ गई। मौसी जी कौन, पूतना। जैसे ही बोलो नंद के लाला की, देखो हरी कथा बोलते हो अगर बातें करोगे ना तो डिस्ट्रैक्ट होता है, एकदम सब एक मन से शांत बैठकर कथा सुनो। जब कंस को पता चला कि मेरा काल कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है, तो समय पर मन ही मन विचार करने लगा कि क्या करूं, भविष्यवाणी तो गलत हो नहीं सकती, इसलिए उसने क्या किया, वहां पर पूतना आई थी। पूतना ने कहे थे कि भैया चिंता क्यों करते हो, मेरा नाम ही पूतना है, पूत अर्थात पुत्र, नाम मतलब नहीं, जो किसी शिशु को पुत्र को रहने ही ना दे। अरे आ तेरा काल यदि जन्म लिया होगा तो 10 दिन के अंदर अंदर ही तो मैं जा रही हूँ, और आसपास के ग्राम में जितने भी नवजात बच्चे हैं उन सबको वहीं पर मैं मार दूंगी। और इस तरह से विचार करके क्या हुआ, पूतना बाल 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 बच्चों का वध करती करती ग्राम ग्राम में भ्रमण करती करती जैसे ही गोकुल की ओर आई, गोकुल में तो बढ़िया उत्सव चल रहा था, सारे गोप गोपियां नाचते गाते नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सब नाचते गाते जा रहे थे, नंद भवन की ओर प्रवेश कर रहे थे। अभी पूतना ने भी बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया है, तो राक्षसी लेकिन मनमाना स्वरूप ले सकती थी, इसलिए बड़ी सुंदर एक गोपी वेश धारण करके और जो ग्वाल बाल जा रहे थे उन्हीं के साथ में मिल गई और नंद भवन में प्रवेश करने की चेष्टा कर रही है। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि भैया ये पूतना तो अपवित्र है, पूत अर्थात पवित्र और ना मतलब नहीं, जो अपवित्र वस्तु है वो आखिर ब्रज में प्रवेश कैसे कर गई, ब्रज तो भगवान का धाम है, भगवान के धाम में ऐसी राक्षसी ऐसी अपवित्र वस्तु कैसे प्रवेश कर गई। तब उसका उत्तर देते हैं कि जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ पूरे ब्रज में हल्ला हो गया, बोले कृष्ण कितने सुंदर है, कृष्ण की सुंदरता के पूरे ब्रज में चर्चे होने लग गए। लेकिन पहले के समय पे क्या होता था, लोग सूतक लग जाता था, नए बच्चे के जन्म से सूतक लग जाता है। उस समय पर जो गर्भवती स्त्री थी और उस घर में कोई पुरुष जाते नहीं थे, है ना, माँ को उसी घर में 21 दिन तक रखा जाता था, पहले के समय पर ऐसा नियम होता था। अभी सारे ब्रजवासियों की इच्छा है कृष्ण का दर्शन करने की, लेकिन कृष्ण तो बाहर आ नहीं सकते 21 दिन तक, इसीलिए कृष्ण ने क्या किया, वहां से पूतना मौसी को बुला लिया, बोले पूतना आएगी मुझे उठाकर जब बाहर लेकर जाएगी तो सारे ब्रजवासी मेरा दर्शन कर लेंगे। अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कृष्ण ने क्या किया, पूतना मौसी को बुला लिया। अभी लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नेत्र श्रवणादिनी रक्षोग्नानी स्वकर्मसु, ये अपवित्र वस्तु वहीं पर प्रवेश करती है जहां पर भगवान का कथा कीर्तन ना हो। जिस स्थान पर भगवान की कथा हो रही है भगवान का कीर्तन होता है वो स्थान परम पवित्र हो जाता है। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथाच्युता देर कथा प्रसंग, कहते भैया भगवान अच्युत की जहां पर कथा हो रही हो वहां पर गंगा यमुना सरस्वती जितने सारे पवित्र नदियां हैं वो सारे के सारे वहीं पर आकर विराजमान होते हैं। हम यहाँ पर भागवत कथा जो सुन रहे हैं ये भागवत कथा भी कोई साधारण नहीं, इस स्थान पर सारे देवता सारे तीर्थ आकर अभी अलक्ष्य रूप में बैठे हुए हैं। ऐसा मत समझो कि सिर्फ आप ही कथा सुन रहे हो, आपके आसपास सब अदृश्य रूप में देवता भी सारे तीर्थ भी कथा सुन रहे हैं। इसीलिए एक समय पर किसी स्थान पर भागवत कथा हो रही थी, अभी वहां पर एक संत बैठे थे, संत ने क्या देखा, जैसे ही भागवत कथा खत्म हुई सारे श्रोता तो चले गए, वहां पर एक काला घोड़ा दौड़ते दौड़ते आया, काला घोड़ा दौड़ते दौड़ते आया और उसने क्या किया, उस स्थान पर लोटपोट खाने लगा। लौटते 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 क्या हुआ, धीरे 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 वो काला घोड़ा एकदम स्वर्णमय हो गया, सोने की कांति हो गई उसकी। अभी संत ने देखा भैया ये कोई साधारण घोड़ा तो नहीं हो सकता, पूछा उससे भैया तुम कौन हो, बोला मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ।
कौन हूँ? तीर्थराज प्रयाग, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का मिलन है, प्रयागराज, सभी तीर्थों का राजा। बोले तुम यहाँ पर आकर लोटपोट कैसे खा रहे थे? बोले सब लोग तीर्थराज में जाते हैं, वहां पर स्नान करते हैं और अपने सारे पाप धोकर चले जाते हैं, और लोगों के पाप लेते लेते मैं पूरा काला हो गया इनके पापों से। लेकिन जिस स्थान पर भागवत कथा हो रही हो, उस कथा की इतनी महिमा है कि मैंने यहाँ पर आकर जब लोटपोट खाई तो इसके प्रभाव से मेरे सारे पाप दूर हो गए और मैं पुनः वापस स्वर्ण कांति को प्राप्त हुआ। इसीलिए कह रहे हैं भगवान की कथा जिस स्थान पर हो, जिस स्थान पर भगवान का कीर्तन हो, उस स्थान पर अपवित्र वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए नियम बना लो, अपने घर में भी यदि चाहते हो कोई भूत प्रेत किसी डाकिनी शाकिनी का प्रभाव ना पड़े, कोई अपवित्र वस्तु यदि ना आए, तो क्या करो, भगवान की पूजा होनी चाहिए। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, घर में ठाकुर का कीर्तन करो, ठाकुर जी की पूजा करो, ठाकुर जी की कथा सुनो, तभी जाकर ये अपवित्र वस्तु से बचकर रहोगे। अब पूतना जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करी, इतना सुंदर स्वरूप, कहते हैं चंद्रमा की छटा को भी दूरभूत करने वाली चमचमाती हुई साड़ी पहन रखी है, बाल को सुंदर केश उसने चोटी बना के उसके अंदर मल्लिका पुष्प के गजरा लगा रखा है, कमर में करधनी, कानों में कुंडल, सुंदर मोतियों के हार, और ऐसी लटकाती बलखाती भी चल रही थी, कोई उसको पहचान ही नहीं पा रहा था। लग रहा था मान लो कमल वंश के लक्ष्मी आई है कृष्ण के स्वागत के लिए, ना ही कोई अप्सरा इंद्र लोक से उतर कर आ गई। सब उसको देख देख कर मुग्ध हो रहे थे। जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, बोले मैया यशोदा बधाई हो। मैया यशोदा सोचने लग गई, ये मेरी बहन कहां से आ गई, इसको कभी मैंने देखा ही नहीं, एकदम नया सा चेहरा, और कह रही हो बधाई हो। सोचा कि अभी हटात पूछ लूंगी तो कहीं बुरा ना मान जाए, इसलिए मैया यशोदा भी कहने लगी, बोले बहन बधाई हो, तुम ही लोगों के आशीर्वाद से इस बूढ़ी उम्र में आज मेरे लाला हुआ है। अरे बातें बाद में करेंगे, लाला है कहाँ ये तो बता। बोले वही पालने में लेट रहा है, जाकर दर्शन कर ले। अब जैसे ही पूतना कृष्ण को दर्शन करने के लिए आगे जाने लगी, भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं कृष्ण कन्हैया 6 दिन के बालक है कृष्ण, लेकिन पूतना को जैसे आता हुआ देखा, कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। हमारे टीकाकार लोग इसके पीछे कई कारण बताते हैं कृष्ण ने क्यों आंखें बंद करी, कुछ भाव हम श्रवण करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं भैया छोटे बच्चों की आदत होती है, वो किसी अनजान व्यक्ति की गोद में नहीं जाना चाहते, हमेशा चाहते हैं अपनी माँ की गोद में रहें। अभी पूतना जैसे आगे बढ़ती हुई आ रही थी कृष्ण को गोद में लेगी, कृष्ण ने सोचा ये ना जाने कौन है, कहां से आ गई, मैंने तो इसको अब तक कभी देखा नहीं, इसलिए कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। एक संत कहते हैं कि छोटे बच्चों को ना बड़ी नींद आती तो मानो कृष्ण यहाँ पर सो रहे हो, और एक कारण बतलाते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, अभी कृष्ण का अवतार हुआ है, किस लिए? बोले परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं भगवान का अवतार हुआ है सारे असुरों का विनाश करने के लिए, इस भूमि को पवित्र करने के लिए। भगवान ने सोचा कि भैया श्री गणेश करना पड़ेगा, लगता है पूतना मौसी से, यही पहले आई है, इन्हीं का उद्धार करना पड़ेगा। तो भगवान आंख बंद करके और मंगलाचरण कर रहे थे, और एक संत कहते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्या हुआ था, पूतना भगवान के लिए कालकूट विष लेकर आई, दिखने में तो बड़ी सुंदरी लेकिन अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर आई है भगवान को मारने के उद्देश्य से। कृष्ण ने कहा कि तू सब बच्चों को मारती मारती घूम रही है पूरे ब्रजमंडल में, अरे तू अपवित्र है, अरे सारे ब्रज के सखा सखी ये तो मेरे अत्यंत प्रिय है और तू मेरे सखाओं को मारेगी, जा मैं तेरा मुंह ही नहीं देखना चाहता। ऐसा भाव करके कृष्ण ने क्या किया, आंखें बंद कर ली। और एक कारण बतलाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, कृष्ण क्योंकि अभी पूतना को स्तनपान करेंगे और पूतना के स्तन में विष लगा है, इसीलिए आंख बंद करके भोले बाबा को बुला रहे हैं। कल सुन रहे थे ना, समुद्र मंथन से जब विष निकला तो शंकर जी ने उसका पान किया, आज भी मानो आंख बंद करके कृष्ण भोले बाबा को बुला रहे हैं, बोले भोले बाबा जल्दी जल्दी आ जाओ, दूध पीना मेरा काम और विष पीना आपका काम। अभी जैसे ही बलात् पूतना ने अपना स्तन कृष्ण के मुख में दिया, कृष्ण तो धीरे धीरे उसका दूध पान करने लगे, दूध भी पी लिया, विष भी पी लिया, और धीरे धीरे उसके प्राणों का शोषण करने लगे, और वो तो पीड़ा के मारे चिल्ला रही थी, सा मुंच मुंच अलम इति प्रभाषिणी, अरे बस कर, बहुत दूध पी लिया, छोड़ दे मुझे और मत पी, इस तरह से चित्कार करने लग गई। जब पीड़ा इतनी असहनीय हो गई, सोच रही थी कि अपने भाई कंस के पास में ले जाती हूँ, ये तो मुझसे छूट नहीं रहा, वो भी जरूर कुछ ना कुछ उपाय कर देगा। वहीं पर उसने अपना विकराल रूप धारण किया, राक्षसी स्वरूप, और कृष्ण को लेकर भागती भागती जैसे नंद भवन के बाहर पहुंची,
थोड़ा ही आगे गई थी कि कृष्ण ने उसको पूर्ण रूप में मार दिया। जाकर गिरी धड़ाम से एक बगीचे के ऊपर, पूरे ब्रजमंडल में हल्ला हो गया, अरे कृष्ण को ले गई, राक्षसी ले गई। ब्रजवासी सब दौड़े 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 वहां पर जा रहे थे, जाकर देखा तो पूतना लेटी पड़ी हुई और कृष्ण उसकी छाती पर खेल रहे थे। जैसे ही कृष्ण को उनकी छाती पर खेलते हुए देखा, सारे ब्रजवासियों को थोड़ा सा चैन मिला। पूतना आखिर गिरी कहां? कहते टीकाकार लोग, पूतना ऐसे स्थान पर गिरी थी जहां पर कंस का एक बगीचा था। कंस का निर्देश था, बोले मेरे इस बगीचे के फल मूल जो भी फल फूल है ये सब विष्णु की सेवा में नहीं लगने चाहिए, कृष्ण की सेवा में, भगवान की सेवा में नहीं लगने चाहिए, केवल मात्र मेरी और मेरे अनुयायियों की सेवा में लगने चाहिए। भगवान ने कहा कि भैया ईशावास्यम इदम सर्वम, अरे भैया ये जगत तो मैंने बनाया है, ये जगत की सारी वस्तुएं मेरे भोग के लिए है, और तू कहता है कि इसकी वस्तु मेरे भोग में नहीं लगेगी, जा मैं ऐसा बगीचा ही नहीं रहने दूंगा। कृष्ण ने क्या किया, पूतना को वहां पे लेकर गिरा दिया। शिक्षा देते हैं यहाँ पर कि जो भी हम चीज ग्रहण करते हैं, जो भी वस्तु हमको प्राप्त है, वो भगवान के भोग्य है। इसलिए क्या करो, घर में भोग लगाना चाहिए। देखो अगर घर में भोग नहीं लगा रहे हो, जो भी चीज घर में आई तुरंत गप करके खा गए, नहीं भैया फिर तो भगवान पूतना भेजेंगे और इस तरह से घिराएंगे घर के ऊपर, सारा घर तहस नहस कर देंगे। शिक्षा लो यहां से, क्योंकि भगवान ने जो जगत बनाया ना, सारी वस्तु भगवान के लिए है। अगर भगवान को भोग लगाकर नहीं खा रहे हो, गीता में भगवान कहते हैं भुंजन्ते तु अघम पापा, साक्षात पाप भोजन है वो पुण्य नहीं, पाप भोजन कर रहे हो। पाप भोजन यदि कर रहे हो तो उससे कभी सुखी रह पाओगे? कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए क्या करो, भोग लगाओ ठाकुर को, जो कुछ भी लगाओ ठाकुर को भोग लगाकर, उसके बाद में सात्विक भोजन ग्रहण करो, है ना, वो साक्षात प्रसाद बन जाता है, वो ठाकुर जी की कृपा है। अब पूतना वहां पर लेटी पड़ी थी, सारे ब्रजवासी पीछा करते करते आए। कृष्ण को जब छाती पर खेलते हुए देखा, उसको वहां से उतारने की चेष्टा कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने लगाई सीढ़ी, बड़े डरते 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 चढ़ रहे हैं। बोले भैया इसने अगर आंख खोल ली ना, मां तो सोई रही हो, आंख खोल ली तो हमको तो कच्चा ही चबा जाएगी। इसलिए बड़े भयभीत होते होते किसी तरीके से कृष्ण को उसकी छाती में से उतारा, यशोदा मैया के हाथ में दिया तो कृष्ण मुस्कुराने लग गए। सभी ब्रजवासी आनंदित हो गए, बोले भैया ठीक किया, अब हमारा लाला सुरक्षित है। मैया यशोदा ने कृष्ण को गौमूत्र से और गैया के गोबर से स्नान करवाया। ये गौमूत्र गैया इतना पवित्र है, अभी सुन रहे थे ना, लोग पहले के समय पर गैया को पालते थे। गैया ही एकमात्र देखो ऐसा जानवर है जिसको पालन करने का विधान, जिसके मलमूत्र भी ग्रहण करने का विधान शास्त्र में है। आप देखो और किसी पशु का विष्ठा और मूत्र ग्रहण किया जाता है, केवल मात्र एक गैया ही है जिसका पंचगव्य शास्त्रों में बताया है ग्रहण करना चाहिए। गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, उसका गोबर और गौमूत्र, ये पांच चीजों को मिलाकर पंचगव्य बनता है। उसको ग्रहण करने से परमार्थिक लाभ तो है ही, शरीर भी बड़ा दृष्ट पुष्ट रहता है। इसलिए गावो मातरस्य कहते हैं, गैया क्या है, हमारी सबकी माँ है। अरे माँ का दूध तो हम कुछ समय तक पीते हैं, लेकिन वो गौ माता ही है जो हमको पूरे समय आजीवन तक हमको दूध प्रदान करती है ना। इसलिए पहले के समय में तो सब गौ पालन करते थे, और आप लोग के गांव में तो प्राय हमने देखा गैया भैंसे सब लोग रखते हैं, लेकिन आज के समय पर ऐसी विडंबना होती जा रही है, गैया के लिए घर में स्थान नहीं और ना ही हमारे हृदय में। बड़े दुख की बात है, ना ही तो हमारे हृदय में स्थान है, ना ही हमारे घरों में। बड़े बड़े घर हैं, बढ़िया वहां पर सोफा सेट डाइनिंग टेबल होगा, लेकिन घर में गाय पालने जितना स्थान किसी के पास रहता नहीं। इसलिए गाय सड़क सड़क पर घूमती हुई थैली खाती है। आज गौ को पूर्ण रूप में भोजन भी नहीं मिलता, थैलियां खा खा कर गले में अटकती है, ऑपरेशन के मारे मर जाती है, इतनी दयनीय स्थिति है। और जब तक भारतवर्ष के अंदर, सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जब तक भी एक भी गाय मिलेगी तब तक ये राज्य समृद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए क्या करना चाहिए, गौ पालन करना चाहिए। गौराज इतनी पवित्र होती है, मैया यशोदा ने गाय के खुर से उठती हुई जो मिट्टी है उस मिट्टी को लेकर कृष्ण को तिलक किया। कृष्ण भी आज मन ही मन इतने आनंदित हो रहे थे, बोले भैया मेरे नाम की कितनी महिमा है, देखो मैया यशोदा मेरे ही नाम को ले लेकर और आज मुझे तिलक कर रही है। ध्यान देकर सुनो, देखो हम जो ये तिलक लगाते हैं ये तिलक साधारण नहीं है, ये ब्रज रज है। जब द्वारका में ठाकुर जी को कभी सरदर्द बुखार हो गया तो ब्रज गोपियों ने अपनी चरण रज देकर और उसको लाया गया द्वारका में, ठाकुर जी को भी उससे स्नान करवाया। किससे?
ब्रजरज से भक्तों की चरण धूलि से ठाकुर जी ने स्नान किया और तब जाकर ठाकुर जी का बुखार दूर हुआ। बोलो श्री ब्रज गोपियों की, बोलो ब्रजवासी भक्त वृंद की। इसलिए मैया यशोदा ने आज क्या किया, ब्रज रज को लेकर कृष्ण को भी तिलक लगाया। ये तिलक जो हम लगाते हैं ऊर्ध्वपुंड ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर उठता है, मतलब क्या करता है, हमको उत्तम गति प्रदान करेगा। ये तिलक की बड़ी महिमा है, अगर साइंटिफिक रूप से भी देखोगे ना तो भी इसके बड़े फायदे हैं। इसलिए तिलक जरूर धारण करना चाहिए। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरज सार्वकम्। मैया यशोदा ने कृष्ण को तिलक लगाया, गौमूत्र गोबर से स्नान करवाया। अब जैसे नंद बाबा मथुरा से वापस आ रहे थे, ब्रजवासी लोग सब एकत्रित होकर कहने लगे, बोले बाबा आज तो अनर्थ हो गया। बोले क्या, बोले ये देख सामने। बोले नंद बाबा देखकर आश्चर्यचकित, हे भगवान ये राक्षसी कहां से आ गई, मैं नहीं था नंद भवन में तभी जाकर ये अनहोनी हुई, नहीं तो मैं किसी अनजान व्यक्ति को प्रवेश ही नहीं करने देता। ब्रजवासी पूछने लगे कि भैया ये मरी तो मरी लेकिन एक चक्कर कर गई। बोले क्या, बोले हमारे गोकुल मथुरा का ट्रैफिक जाम कर गई, अब बताए ट्रैफिक कैसे क्लियर करें। नंद बाबा कहने लगे कि चिंता मत करो, अपने घर से ले आओ कुल्हाड़ी फरसे सब, वहीं पर इसको काट काट के, लकड़ी तो पड़ी है, और इसे वहीं पर आग लगा दो, इसकी सदगति हो जाएगी। अब जैसे ही पूतना को आग लगाई, दिव्य अगूर कपूर की सुगंध उसके शरीर से आने लग गई। इतनी सुगंध पूरे ब्रजमंडल में फैल गई, सारे ब्रजवासी एकत्रित होकर उमड़ उमड़ कर आने लगे। बोले भैया ये खुशबू आ रही है तो आ रही कहां से, क्या देवता ने पारिजात पुष्प की वृष्टि करी है, कोई सेंट छिड़क दिया ना क्या, इतनी सुंदर खुशबू कहां से आ रही है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि सामने जो पूतना जल रही इसी के शरीर से आ रही है। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूतना तो राक्षसी। परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, बोले पूतना राक्षसी थी, उसके शरीर से इतनी सुगंधित खुशबू कैसे आने लगी। बोले भैया जिसको कृष्ण का स्पर्श प्राप्त हो गया हो, जिसका स्तन साक्षात कृष्ण ने पान किया हो, वो अब राक्षसी नहीं रही। इसलिए कह रहे हैं पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना झिंगासयापि हरये स्तनं दत्त्वाप सद्गतिम्। कहते हैं पूतना थी कौन, बोले पूतना लोक बालाग्नि, ये पूतना बच्चों को मारती थी, छोटे छोटे बच्चों को मारती थी। बोले इसको इतना खराब कर्म है, हाँ। बोले अच्छी कुल से तो होगी, बोले नहीं राक्षसी, राक्षस कुल में उत्पन्न थी और बाल घाती नहीं, छोटे छोटे बच्चों की हत्या करती थी। अच्छा चलो नाम अच्छा नहीं, नाम भी पूतना, कुल भी अच्छा नहीं, कम से कम आहार तो अच्छा लेती होगी, खाना तो बढ़िया खाती होगी। बोले नहीं रुधिर आसना रक्तपान करती थी बच्चों का। बोले ऐसी को भी भगवान ने क्या लिया, लेवे दधिन धात्री उचितम किंबा दयालु शरणम ब्रजेमा। ध्यान देकर सुनो, देखो हमारे कृष्ण कन्हैया ये जो बाल गोपाल यहाँ पर विराजमान है ये कितने श्रेष्ठ है। देखो जो पूतना कृष्ण के लिए विष लेकर आई, क्या लेकर आई, जहर लेकर आई कृष्ण को मारने के उद्देश्य से, उसको भी भगवान ने अपने धाम में भेज दिया। बोले इसने दो मिनट नाटक तो किया ना कि ऐसे छोटे से बालक को पल्ले में थोड़ी सुलाते हैं, ऐसे छोटे बालक को तो गोद में लेकर स्तनपान कराना चाहिए। केवल दो मिनट मात्र नाटक ही किया था मेरी माँ बनने का, इसलिए इसको मैं सदगति दूंगा। तो उसे क्या किया, अपने धाम में भेज दिया। बोले ऐसा दयालु भगवान अगर कोई होगा, ऐसा दयालु भगवान कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर भजन करना हो तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किम पुनः श्रद्धा भक्त्या कृष्णाय परमात्मने। बोले भगवान यदि कोई श्रद्धा पूर्वक, जैसे आप लोग हो हृदय में बड़ी श्रद्धा लेकर भागवत कथा के अंदर आए हो, भगवान के लिए सुंदर सुंदर वस्तु लेकर आ रहे हो, कोई केला कोई बिस्किट कोई टॉफी, भगवान की प्रिय वस्तु लेकर आ रहे हो, तो उनको भगवान क्या देंगे। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं यदि विचार करके देखो, जो पूतना जहर लेकर आई थी उसको तो भगवान ने गोलोक वृंदावन में स्थान दिया, धात्री के समान गति प्रदान करी। अगर कोई भगवान की प्रिय वस्तु लेकर आए, श्रद्धा से भागवत कथा के अंदर आए, अपने पैरों से चलते चलते अपने चरणों को सार्थक करे, तो उसको भैया क्या गति प्रदान करेंगे। इसलिए आप लोगों की बड़ी महिमा है जो भागवत कथा इतने धैर्य से सुन रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अंत में वर्णन करते हैं कि यदि कोई इस पूतना प्रसंग को धैर्य पूर्वक श्रद्धा पूर्वक यदि श्रवण करे तो गोविंद लभते रतिम, भगवान के चरण कमलों में रति प्राप्त हो जाएगी, रति मति सर्वत्र गोविंद के चरणों में प्राप्त होगी। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा हरे कृष्णा।
हरी बोल, हाँ उतना रखो और हाथ मत लगा। हाँ देखो, हम चाहते हैं जैसे हम लोग 7 दिन तक कथा करेंगे ना, हम कुछ चाहते हैं आप कुछ देने के लिए, कि हम क्या देने के लिए चाहते हैं, हम ये देने के लिए चाहते हैं आपका जो घर है गोलोक वृंदावन बन जाए, जिस घर में ठाकुर का पूजा सेवा भगवान की भक्ति हो वही घर ही भगवान की धाम है, वही घर के बच्चे के बच्चों को प्रभु जी बच्चों को यहाँ से हटा दो, गेट को बाहर निकाल दो, जब राधा रानी जन्म लेगी तभी को जब जब टपरी बटेगा तब धाम बन जाए। पहले भगवान की धाम कब बनेगा, कितना घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को आली मोहे लागे वृंदावन जी को, जिस घर में ठाकुर को पूजा हो ठाकुर का भक्ति हो भजन हो वही घर ही भगवान की धाम है। हम घर घर में भगवान की भक्ति हो, आप लोग तो पुरानी पुरानी हो, आप लोगों के अंदर में अच्छे संस्कार है, लेकिन अभी अभी जो नौजवान लोग आ रहे हैं लड़के लोग, अभी इनको अंदर में भक्ति भक्ति नहीं दिखती है, दिन भर स्मार्टफोन लेकर पड़े हुए हैं, और जितने विदेश की जो सभ्यता संस्कृति अभी वो बच्चों के अंदर में धीरे धीरे आने लग गए। पहले जैसे सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूना, पिता माता की आदेश पालन करना, अभी बच्चे लोग इसको कुछ करना नहीं चाहते। ये टीवी स्मार्टफोन और इंटरनेट ये सब बच्चों को धीरे धीरे बिगाड़ रहे हैं। हम चाहते हैं आपका घर के जो बच्चे हैं भगवान के भक्त बने, इसलिए भगवान नरसिंह देव कहते हैं जिसकी घर में एक बेटा भगवान की भक्ति में लग जाए उसका 21 पीढ़ी उद्धार हो जाती है। 21 पीढ़ी कुलम पवित्रम जननी कितार्था, जो पिता माता वो बच्चे को जन्म देते हैं वो पिता माता का उद्धार पहले होता है। इसलिए ध्रुव महाराज वैकुंठ जाते समय जब वैकुंठ से रभिमान आया लेने के लिए, तब ध्रुव महाराज कहते मेरे पिता माता मेरी मैया कहाँ गई, बोले क्यों, बोले मैया को लिए बगैर वैकुंठ नहीं जाऊंगा, बोले किसी लिए, बोले आज जो मेरे को ठाकुर जी मिले माँ की आशीर्वाद से, मेरी माँ की आशीर्वाद से, क्यों, मेरे माता जी ने बोले थे बेटा भगवान की भजन करो, हाँ उनके भजन करोगे तो ऐसे तुमको गोद मिलेगा, कभी वो गोद से कभी उतर गई, इसलिए माँ की आशीर्वाद से मैंने भजन करके आज मुझे ठाकुर जी मिले हैं, इसलिए मैया को लिए बगैर वैकुंठ नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने दिखा दिया, देखो वो जो आगे रथ है ना, पहले तेरी माँ जा रही है उसको पीछे पीछे जा रही है, अगर माताएं अगर बच्चों को भक्ति की संस्कार देना पहले तो माता की उद्धार होगी। श्री प्रहलाद महाराज का चरित्र सुनते हैं, जब भगवान प्रहलाद को बोले वर मांगो, प्रहलाद बोलते प्रभु जी अगर वर देना चाहते हो मेरे पिताजी बड़े दुष्ट थे, मेरे पिताजी को उद्धार कर दो। तो भगवान कहते तेरे पिताजी के नाम क्यों कहते हो, तेरे तो त्रिसप्तमी पिता पुत्र, 3-7 मतलब 21 पीढ़ी तेरे उधार हो गए हैं, इसलिए तुम्हारी जो पूर्वज लोग है बोले नृत्यंति स्वर्गे पितरी पितरे साम, ध्यान देकर सुना, कहते नृत्यंति स्वर्गे पितरी पितरे साम। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति बोल रहे थे बोले ये गाँव में सब पितर दोष है, इसलिए किसी घर में आनंद सुख शांति नहीं, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा उधर उधर सब घर घर में, क्योंकि इन लोगों ने पितृ लोगों का सारी जमीन बेच बाज कर इधर आ गए बोल रहे थे, इसलिए सब घर में दुख कष्ट है। लेकिन भागवत कहता है जिनके परिवार में भगवान की भजन भक्ति करे ना, बोले नृत्य स्वर्गे पितरी पितरे साम, जो पूर्वज खुश हो जाते हैं जब भगवान की भजन करके उनको अपनी आप उनकी उधार हो जाती है। जो भगवान की भजन करे बोले वसुंधरा वसतिश्च धन्या, जिस पृथ्वी को ऊपर भी वो बच्चा जन्म ले वो वसुंधरा भी धन्य हो जाती है, जिस घर में भगवान की भजन हो। इसलिए हम चाहते हैं घर घर भगवान की मंदिर बन जाए, बच्चे गलत रास्ता पर नहीं जाए, शराब नहीं पिए, सिगरेट नहीं फूके, गंजा नहीं फूके, भगवान की भक्ति और पिता माता की सेवा पूजा करे। कौन चाहता है ये बात को, हाथ उठाओ कौन चाहते हो, सब चाहते हो, लेकिन कब होगा जब तुम्हारे बच्चों को पर संस्कार पड़ेगा, इसलिए हम चाहते हैं अभी और 2 दिन ही हम केवल रुकेंगे। कितना दिन रुकेंगे, केवल हम और 2 दिन ही हैं, हैं? आज मैंने बताया था कुछ बच्चों को तुम लोग यहाँ पर आना, और हमारे यहाँ पर जो अभी प्रभु जो कथा बोल रहे थे ना आपको सामने खड़े होकर, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये साधारण लड़का,
कभी कभी लाख रुपया की इसकी नौकरी थी अटोप्ट कंपनी में, उसने छोड़ कर भी ये प्रभु की भजन में आया है। हम चाहते हैं इसको साथ में तुम्हारी बच्चों को जोड़ दे, अरे ये बच्चों को कुछ अलग क्लास दे, ये बच्चों को कुछ अलग क्लास दे, जो कि इन बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार आए और बच्चे लोग भगवान की भजन करें। इसलिए आज जब ये कथा मेरी समाप्ति हो जाएगी, वो आधा घंटा ये बच्चों को, कौन सा बच्चे थोड़े जो बड़े हैं, थोड़े जो थोड़े लिखे बड़े हो, 9, 10, 11, 12 जो कॉलेज में पढ़ते बच्चे, क्योंकि वही लोग बच समझ सकते, छोटे बच्चे तो समझ नहीं सकते, इसलिए ये उनके लिए थोड़ा क्लास देगा। और ये एक अपना एक जूम लेगा उसमें, जिसे ऑनलाइन में ये बच्चों को अच्छी अच्छी बात बताएगा, भजन की बात बताएगा, भक्ति करने की ये बात बताएगा। कथा के बाद में ये बच्चा आधा घंटा ये केवल बच्चों को, थोड़े जो बड़े बच्चे जो थोड़ी सी लिखे पढ़े उनको क्लास देगा, ठीक है। इसलिए अभी थोड़ी देर बाद में कथा की विश्राम हो जाएगी, अभी राधा रानी जन्म लेने वाले। लेकिन नियम है जब कथा को सुना क्या करो, ऐसे नहीं 7 दिन तो कथा को बैठ बैठ कर सुने, लेकिन जब कथा समाप्त हो गया हम भी समाप्त हो गए, ये पल्लू झाड़ कर यहाँ से गए, कथा कथा बाबा लोग आए थे उनका बोलना था बोले, और हम भी अपना काम में और बाबा भी अपना काम में। लेकिन नहीं, हम चाहते हैं यहाँ से कुछ ले करके जाओ, खाली हाथ से यहाँ से नहीं जाओ, कुछ ले करके जाओ। बोले क्या ले करके जाओगे, बोले भगवान की प्रेम, भगवान की भक्ति ले करके जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ एक स्टोरी सुनाता हूँ, जो चार ही बहुओं की स्टोरी, चार ही बहुओं की स्टोरी। यहाँ पर ये है जो सरिता दीदी, क्या यहाँ पर कहाँ पे सजाने के लिए गया सरिता दीदी, हाँ सरिता दीदी जिनको ये चार ही बहुओं की कथा सुना, आ जाओ चल चल जल्दी आ जाओ। ये देखो ये आप, ये भी आपकी गुजरी है, लेकिन ये गुजरी बहुत लोगों को उन्होंने परिवर्तन दिया है। आपको पता है जूम से, जूम में ये क्लास देती है, हैं? ये जूम में क्लास देती है, इसकी जूम में बहुत भक्त लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत लोगों को उन्होंने भगवान की भक्ति में और भगवान की भजन में उसने लगाया है। इसलिए समझो आपकी जो गुजर जाति में है, गुजर घर में मानो एक रत्न जन्म लिया है। हमारे गुरु जी का जो गुरु जी कहते हैं ना, देखो जिसने पूरा ब्रह्मांड में हरि भक्ति प्रचार किया, वो कहते हैं जो माया में जो भूले भटकते हुए जीव, अगर एक जीव को प्रभु की भजन में कोई लगाते, एक व्यक्ति को प्रभु की, वो कहते हैं करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल अगर कोई खोल दे, करोड़ों करोड़ स्कूल कॉलेज खोल दे, उसमें जो पुण्य मिलेगी केवल एक व्यक्ति को जो प्रभु की भजन में लगा देगा, वो कहते हैं उससे करोड़ गुण ज्यादा पुण्य है एक व्यक्ति को जो प्रभु की भजन में लगाए। हमारे गुरु जी कहते हैं जिसने पूरा दुनिया में इस्कॉन का नाम सुने होंगे, उसको उनकी जो गुरुजी है उनका जो गुरुजी वो बात कहते हैं, है? इसलिए इतने पुण्य, लेकिन उसने बहुत सारे व्यक्तियों को, आप लोगों को पता है इनको सबके सब भक्ति में लगाई है, आप इनके लिए ताली बजाओ कम से कम, आप बुजुर्ग समाज है जो एक जन्मों में सबको जो प्रभु की बात में बताता नहीं, ठाकुर को भोग लगाओ, तिलक लगाओ, कंठी पहनो, भगवान की भजन करती है। आपकी एक सुंदर स्टोरी सुनाएगी, ध्यान देकर सुनो। अब ये स्टोरी सुनने के बाद मैं पूछूंगा तुम लोगों ने क्या सुने हैं, ठीक है। जो बोलेगा ना फिर मैं इनाम दूंगा। ये जो स्टोरी आपको सुनाने के लिए जाएगी, देखो मैंने ये स्टोरी सुना करके कितने लोगों को भगवान की भक्ति में लगाए तुम सोच भी नहीं सकते हो। इतनी बढ़िया स्टोरी, अगर ये स्टोरी को तुम भी याद कर लोगे ना, किसी को भी सुनाओगे वो भी प्रभु का भजन में लग जाएगा, इतने महिमा। अभी सुनाएगी, आप ध्यान देकर सुनो। बोलो बोलो, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे। एक बार दोनों हाथ उठा के थोड़े जोर से बोलेंगे, भजो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु श्री नित्य लीला ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु व्यासपीठ आसित श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रीधर गोस्वामी महाराज
और सभी रूपानुग भक्तों के चरणों में कोटिश प्रणाम दंडवत ज्ञापन करती हूँ। और कथा विपासु जन वैष्णव वैष्णव वृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग प्रणाम। गुरुदेव ने आदेश दिया कि चार बहुओं की कथा, उससे पहले मैं आपको गुरुदेव का थोड़ा सा परिचय बताना चाहूंगी। व्यासपीठ पर आसीत महर्षि, थोड़ा देखो ये होती है संतों की महिमा, अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहते। देखो महाराज जी की कृपा से ही आज मैं हूं जो कुछ हूं। दीक्षा गुरु मेरे पूज्य पाद महाराज गुरुदेव और शिक्षा गुरु मेरे महाराज जी। माँ जन्म दे देती है लेकिन पालना उसको उससे ज्यादा मुश्किल होता है, सभी जानते हैं। पाला हमको गुरुदेव ने, महाराज जी ने ही है। और यदि इनकी मैं महिमा नहीं कहूँ थोड़ी सी, तो मैं अपने आप को थोड़ा गुनहगार मानूंगा। ठीक है मरी, थोड़ा सा तो नहीं, नहीं। ठीक है, देखो थोड़ा सा श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन चार अक्षर बताना चाहूंगी मैं लोगों को। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं आप भगवत गीता सब कहते हैं, मैंने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, सब कहते हैं जब हम किसी से पूछते हैं। लेकिन पढ़ना, उसको श्रवण करना और अंदर हृदय में उतारना अलग अलग बातें हैं। भगवत गीता में शाश्वत चार चीजें बताई गई हैं, ईश्वर, ये जगत अर्थात प्रकृति, और जीव और काल, ये शाश्वत, उसके साथ साथ शाश्वत हमारा कर्म भी है। और ये जीवन भर अर्थात जन्म जन्मान तक रहते ही हैं। ईश्वर को भी कोई नहीं भुला सकता कि वो नहीं है, है, जीव भी है, प्रकृति भी है और काल भी है। काल जो हमें फेर लगता है, जैसा करते हैं वैसा भरते हैं, कर्म। लेकिन चार चीजें बदली नहीं जा सकती, लेकिन कर्म को हम बदल सकते हैं। ये सुख और दुख जो हम भोगते हैं अपने कर्मों के अनुसार भोगते हैं। कुछ गलतियां करते हैं इस जन्म नहीं पिछले जन्म की, और इस जन्म में हमें सजा मिल रही है, इसीलिए हम ये यहां पर इस मरते जगत में आए हैं, क्योंकि हमने कुछ गलत किया। लेकिन कुछ अच्छा किया इसलिए हमें मनुष्य योनि मिली। इस मनुष्य योनि में ही आकर आप अपने कर्म को बदल सकते हैं, क्योंकि कर्म शाश्वत नहीं है, इसको बदला जा सकता है। यदि आप जीवन भर दुख हैं तो सुख में आप परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन उसका रास्ता दिखाने के लिए हमें कोई संत सदगुरु चाहिए जो हमारे व्यासपीठ पर आशित है। आप लोग समझ नहीं सक रहे, अभी चार दिन से आप भागवत सुन रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या चीज मिल रही है। हरि नाम लेकर अपना जीवन सुधार लो, क्योंकि जब तक भगवान का नाम किसी सदगुरु से नहीं लोगे, आपकी गति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये शास्त्र कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके अपनी जाग जाओ, अभी खुली आंखों से सो रहे हो आप सभी। देखो जिन माता बहनों ने हमारी ने हरि नाम लिया है, वो खुद अपना अनुभव आप लोगों से शेयर कर सकती है, घर घर में ही है सबके, कि उनको कितना अच्छा लग रहा है नाम लेने में। मैंने कल ही किसी से बात की थी, समय नहीं है, मन तो बहुत है, समय नहीं है, यहाँ जाना वहां जाना, समय नहीं है। आपको अपने लिए समय नहीं है तो किसके लिए समय है। खैर, बोल श्री गुरुदेव महाराज जी की। अभी मुझे जो गुरुदेव ने जो बोला वो कथा सुन लो। एक राजा था, उसकी चार रानियां थी, और चार रानियां उनमें से सबसे बड़ी से राजा इतना प्रेम करता था कि सुबह उठते ही उसकी सेवा में लग जाता, और जो भी नई चीज मार्केट में दिखती उसके लिए खरीद के लाता, इतना प्रेम। और अभी वो तो बड़ी खुश, उसके लिए सब कुछ आता, समय से पहले उसके लिए आता, कैसे बिलाए। राजा की जो दूसरी रानी थी वो बड़ी सुंदर थी, वो इतनी सुंदर थी जब हमारे पास कोई सुंदर कपड़ा भी होना, हम सोचते हैं कोई देख ले इसको, बस मेरा कपड़ा सफल हो जाएगा, मेरे पैसे वसूल हो जाएंगे, लगता है ना। वैसे ही राजा भी उस रानी को बड़ा सजा धजा कर जहां भी जाता साथ लेकर जाता। रानी बड़ी खुश, राजा भी बड़ा खुश, इतनी सुंदर पत्नी। तीसरी जो रानी थी उससे राजा बड़ी मीठी मीठी, वो बड़ी बतनाने में बड़ी
चतुर्थी। राजा सारी बाहर की बातें सीधे उसको आकर बताता, सारी दिल की बातें शेयर करता उससे। तीसरी रानी भी खुश, परंतु जो चौथी रानी थी, राजा उसको ब्याह कर तो ले आया, परंतु कभी उसे न तेल साबुन साड़ी कुछ पूछा ही नहीं कि तुम्हें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है या नहीं, कभी पूछा नहीं। अभी राजा का एक संत मिले राजा को, और संत ने कहा, राजा तेरी उम्र पूरी हो गई है, अभी तो बहुत जल्दी ही राम नाम सत्य हो जाएगा तेरा। वो तो डर गया, तो क्या करूं कि देख ले, जो बटोरना है बटोर ले, जो साथ जाना है अपना ले ले। तो रानी उसे बड़ा प्रेम करता था, सोचा एक तो रहे जो सुख दुख की बात करे मेरे ऊपर मेरे से। तो बड़ी रानी के पास गया कि रानी रानी देखो मेरा अंतिम समय आ गया है, तो मेरे साथ चलोगी? वो तो एकदम से अरे एक कदम भी नहीं चल सकती मैं तो, आपको जहां जाना जाओ मैं तो यही रहूंगी, एक कदम भी मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। राजा को बड़ा झटका लगा, लगेगा ना जिसको सारे जो भी चीज चलती महंगी सस्ती सब कुछ देता सब प्रकार की। अब दूसरी रानी, पहली तो फेल हो गई, दूसरी रानी जिसको सजा ना जाकर ले जाता, कहा कि रानी मेरा समय आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बड़ी सुंदर थी, उसने कहा मैं क्यों साथ चलूंगी, मैं इतनी सुंदर, मैं तो इंतजार करी कब तू मरे कब मैं दूसरी शादी करूं। राजा तो हैरान हो गए एकदम से, हैं ये भी नहीं। अब तीसरी रानी की बारी आई, तीसरी रानी से पूछा तो तीसरी रानी ने कहा हाँ मैं आपके साथ चलूंगी, तसल्ली हुई, परंतु बस कुछ कदम, उसके बाद मैं आपके साथ नहीं चल सकती, दरवाजा बस दरवाजा आपको भेजूंगी और दरवाजा बंद कर लूंगी। राजा को फिर झटका लगा, ये कोई साथ चलना साथ हुआ? अभी चौथी रानी से मुंह तो नहीं पड़ रहा था बोलने का, पूछो जब उसी को उसको नहीं पूछता तो क्यों मुंह पड़ेगा उसका। फिर भी हिम्मत की, चल पूछ ही लेते हैं, हो सकता है यही चल ले। पूछा चौथी रानी के पास गए, बड़े मुंह लटका के, रानी रानी मैं जानता हूँ ऐसे मैंने तेरी कभी पूछ की तो नहीं, परंतु तू मेरे साथ चलेगी मेरा अंतिम समय? हाँ हाँ मैं आपके जन्म जन्म तक साथ दूंगी। राजा हैरान हो गया, जिसको कभी पूछा ही नहीं। अब देखो सबसे पहली रानी कौन थी हमारी, बता सकते हो कौन? बताएगा बताओ, सुना हुआ होगा। सबसे पहली रानी हमारे शरीर है, ये राजा की नहीं हम सबकी कहानी है। इस शरीर को हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, कोई भी क्रीम पाउडर तेल साबुन मार्केट में फटाक से किसी ने बताते हैं, मैं डब साबुन से नहाते हो मैं भी लाऊंगी, किसी ने बता दी 2500 की साड़ी है मैं भी लाऊंगी, कैसे भी लाऊं, हो गया साथ देगा ये शरीर? एक कदम भी नहीं, प्राण छूटेंगे धड़ाक से गिर पड़ेगा, कोई और ही उठाएगा इसको, जिसके लिए पूरे जीवन आप भाग रहे हो। दूसरी रानी है हमारा धन संपत्ति पैसा, जो बड़ा सुंदर सब दिखाना चाहते अपना ऐश्वर्य, जेब में फूटी कौड़ी ना हो और सज धज के चलते मेरे पास बहुत पैसा है ना, ये धन दौलत भी आपके साथ जाने वाला नहीं, आपको मरते ही आप में दाग बाद में लगेगा। मैंने खुद ने देखा, एक बुड्ढा मरा पड़ा था और उसके पोते में झगड़ा हो रहा, मैं खुद हमारे रिश्तेदार में थे, क्यों उसकी सरकारी जॉब थी, पेंशन आती थी बुड्ढे की, उसकी कॉपी को ढूंढ रहे थे और बुड्ढा पड़ा बेचारा बाहर, उसकी कॉपी ढूंढ रहे, कॉपी बाबा बीमार हुई है तेरे धरी कॉपी को भाई कितने पैसा पता अभी। मैं चुप, मैंने एक को पढ़ा भैया पहले बुड्ढे गति तो कर लो जब या बेचारे काठी वाठी तो ला दो। ये पैसा जाएगा तुम्हारे साथ, कुछ नहीं जाने वाला। तीसरी रानी हमारा परिवार, दुनिया भर की बातें और मक्खन लगा के बताते बाहर की, ये हुआ वो हुआ ये हुआ, अब पूरी नींद आ रही 11 बज के बात करते करते, परिवार आएगा हम चलेगा बस, चीटा में ले जाएंगे वहां पर लुटाएंगे आग लगाएंगे टाटा बाय बाय, फिर तो 13 दिन तक न्यू डर है दिख लो जा ससुर। जिंदे पूतर मरे भूत।
तो देख दो फिर पूरे राई पाई घुमाते ना राई बखेर में आ जाए कोई तो जिंदे भूतर मेरे भूत आएगा कुछ काम यही तो मैं चौखट पर कील ठुकवा देंगे घर में बच्चा जा परिवार को तुम जो न्यू कह रही हो तो कल एक टैम नौ भी चाहे पौनी धार हो अच्छा सुन लो हरी बोल हरे कृष्ण चुप वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान देकर चौथी रानी की बात सुनो। अच्छा चौथी रानी सुनो जिसको कभी ध्यान नहीं देते जिसके लिए 10 मिनट का भी समय नहीं है वो हमारी भक्ति है भगवान का नाम है जिसको लेने से तुम इतना कतरा रहे हो प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा ब्याह शादी में खाना छोड़ना पड़ेगा अगर तुम्हारे कोई बीमारी लग जाए तो देखोगे शरीर ठीक रहे खाना पीना ठीक रहे ये भक्ति ऐसी जो एक हमारे गांव में कैंसर था लास्ट स्टेज और एड्रेस भी बता दूंगी कार का गड़ी में मूछन वाला बाबा बहुत बुढ़ा भी जिंदा और लास्ट स्टेज कैंसर हो गया उसको बिल्ली कहते हैं उसको बिल्ली नाम कहते हैं नाम पता नहीं क्या है तो उसकी बीवी आई हमारे पास मारे जी गड़ी की बात है बिल्कुल सच्ची बात तो कहने लगी उन जैसे हम भक्ति का प्रचार करते हैं वो हमारे पास आई और रोने लगी घर आके माता जी ज़्यादा उम्र नहीं थी लगभग 50 साल की होगी और आदमी की होगी लगभग 55 साल रिटायर होने वाले थे वो सरकारी नौकरी थी कैंसर हो गया गले में और डॉक्टर ने कह दिया लास्ट स्टेज है क्योंकि कैंसर पता ही चलता है लास्ट में तो रोने लगी बेटा कुछ करो तो मैंने कहा देखो माँ और कोई तो हम तो कोई भगत है ना वैसे हम तो सच्चे भगत है झूठे ना हम तो झन टन 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 ना हरी नाम बताएंगे हरी नाम कर ले जितना हरी नाम करोगे उनके नाम से उनका रोग कटेगा तो देखो उसकी श्रद्धा अच्छी थी विश्वास था उसको उसने कहा बेटा मुझे हरी नाम दिलाओ पास में ही भागवत चल रही थी महाराज जी की हरी नाम दिलाया पूज्य पाठ वन महाराज जी की चल रही थी हमने हरी नाम दिला दिया और उससे ये बात बोली कि यदि 100,000 नाम रोज करोगी तो तुम्हारी इच्छा है तुम्हारा पति बचा रहे तो बचा रहेगा वो बिचारी पूरा खान पीन इधर उधर आने जाना छोड़कर 100,000 हरी नाम रोज करती 100,000 मतलब 16 माला 4 बार आज वो बिल्कुल ठीक ठाक है वो भाई साहब और बिल्कुल हट्टे कट्टे नौकरी से रिटायर होकर अब खूब घर में रह रहे हैं तो और ये कथा थी नोएडा की है नोएडा की 55 सेक्टर में एक व्यक्ति थे वो भी नौकरी करते थे उनको डॉक्टर बोला कैंसर है बोले 6 महीना जिंदा रहोगे उसका भी उम्र था ऐसे 40-45 साल उसने जब देखा बोल दिया उसको 6 महीना तुम्हारी और बचने का कोई सवाल 6 महीना है बोले भैया फिर नौकरी की करके क्या तुमने नौकरी को रिजाइन दे दिया उसने भगवान की जो माला है ना 64 जैसे 100,000 बोल रही थी उसने 64 माला करना शुरू कर दिया उसने फिर 16 साल तक जिंदा रहा और उस 16 साल जिंदा रहा 6 महीना जिसको उसने 6 महीना जवाब दे दिया इसलिए भागवत में बताया भगवान का जो नाम है ना बोले सर्व रोग विनाशनम सर्व रोग उपशनम हरे नामानुशांति दम भगवान के नाम से जितने दुख कष्ट रोग सबके सब खत्म हो जाती एक नहीं हजार हजार ऐसी घटना है हरि से बड़ा हरि का नाम है मंगल भगवान है अमंगल हरि भगवान का नाम लेकिन जैसे बताया ना जो चौथी रानी को राजा क्या ध्यान नहीं देता था पूछता नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं लेकिन अंतिम समय में वही रानी जाने के लिए तैयार हुआ मतलब क्या है अगर किसको बोले थोड़ा हरि नाम कर बोले समय कहाँ हमारे पास में अरे जिसका कोई काम धाम नहीं वही सब माला लेकर हरे कृष्णा करते हमारे टीवी देखना बात करना इसको चूली करना बुराई करना इसके लिए सारी समय देते हैं लेकिन जब भगवान के नाम की बात करो ना समय कहाँ हमारे पास में समय नहीं भैया जो कुछ बोल दो अंतिम समय आएगा तो जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे क्या बोलते हैं
उस समय क्या बोल सुने हमें ना क्या बोलते बोलते ले जाते राम नाम सत्य यही तो बोलते हैं ना राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है सत्य बोलो गत्य है सब कोई बात जुटा यही बोलते हैं ना किसको सुनाते हैं वो जो ऊपर जो लेटा हुआ व्यक्ति को सुनाता है बोले बेटा जितने तुमने राम और कृष्ण का नाम लिया वही जा रहा है और जितने दुनिया के इकट्ठ करके रखा है ना एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रही है पत्नी जाएगा तो रो रो करके दरवाजे तक जाएगी परिवार जाएगी तो शमशान तक जाएगी वहीं से टा टा करते करते वापस आ जाएगी इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जितना राम कृष्ण के नाम वही मिलागा जगह में सब ही खुबायो किसी व्यक्ति को बोलो ना थोड़ा हरिनाम करबल नहीं बच्चे के लिए थोड़ा पैसा कमा कर रखना ना हमारे बड़े गुरु जी कहते थे बच्चे के लिए ज्यादा पैसा मत कमाया करो क्यों वो होना हर होगा तो कमाएगा अगर नालायकी बनेगा ना जितने तुमने पैसा कमा कर गए जुआ दारू मांस खाकर सब लुटा देगा तेरी पैसा को इसलिए यही से धन में धनी बनो जिस धन अभी भी जिसका मालिक आप ही बनोगे अगली जीवन में पूरा पूरा मालिक तुम ही बनोगे इसको कोई ले नहीं सकते और वही तुम्हारी काम में आएगा ठीक है ना इसलिए चौथा वो को ध्यान दो ये भगवान के नाम है ठीक है इसलिए क्या करना माला लेकर भजन करियो सबके सब है माला लेकर मैंने बताया था ना भगवान बोले जो लखपति बनेगा उसको भोजन करेंगे लखपति कैसे बनेंगे अभी बता रहे थे ना 1,00,000 हरि नाम करती थी देख लो जैसे इस माला करते हैं जैसे हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल कर इसमें एक मोती चढ़ेगा दो बार बोल कर दो मोती देखो 1,00,000 कैसे होता है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कितना हो गया 16 बार हो गया बोले एक मोती में 16 बार जब यहाँ खत्म हो जाए पार नहीं करके घुमा देना अगर इसे 16 माला कर लिया ना हो गया 25,000 अगर 64 माला कर दिया तो 1,00,000 भगवान कहते हैं 1,00,000 माला नहीं की आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फीस डिपोजिट हो गई बोले ब्याज कितना मिलेगी बोले दीन बड़त सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो आज अगर 1,00,000 करेगा तो कल 1,25,000 4 दिन में 2,00,000 अरे यही धन ही काम में हमारी आएगी इससे हमें शांति सुख मिलेगा ठीक है जिनको माला लेना है आज तो माताएं कुछ आग्रह माला लेकर गए जिसको इच्छा होगी माला लेने की आपको गांव में मैंने रुका हुआ हूँ प्रभु जी के घर में मुखपाल प्रभु जी के घर में जिसकी इच्छा होगा कल सवेरे आकर के माला ले लेना ठीक है देखो दो माला दो तरह से देते हैं अगर प्याज लहसुन कोई पूरा छोड़ देता है फिर गले में तुलसी की कंठी तभी देते हैं और उसको तुलसी की माला देते हैं जो बोलेगा मैं धीरे धीरे छोड़ूंगी फिर उसको हम नीम की माला देते हैं प्रभु का नाम करते करते अपने आप सब चीज खत्म हो जाती है अपने आप ठाकुर का नाम लेती है अपने आप खत्म हो जाएगी फिर जब अच्छे तरह से बनोगे फिर तुलसी माला लेना लेकिन ये माला ले कथा सुनने का यही फल है पूर्व बुरी कथा तुमने सुन ली लेकिन प्रभु का नाम ही नहीं किया मतलब तू सुनी ही नहीं कथा वो आए इधर सुनकर इधर निकाल कर चली गई कथा ही तुमने सुनी नहीं केवल नाचने कूदने के लिए यहाँ पर आए हो और किसी काम के लिए नहीं आए ठीक है हाँ देखो कल कथा में श्री गिरिराज की पूजा है गिरिराज पूजा की बड़ा महत्व है ये स्वयं गिरिराज जी बोले गिरिराज की पूजन में जो एक अन्न का दाना जो भोग लगाता है किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कमी नहीं पड़ेगी ये गिरिराज स्वयं बोले और उसके घर में अन्न धान दौलत भरा रहेगा गिरिराज के मुंह से निकली हुई वाणी है अब विशेष कर गुजरों का देव देवता है कौन है मोहन बाबा एक है गिरिराज बाबा और एक मोहन बाबा ये गुजरों का देव देवता कल श्री गिरिराज के अन्न गुट है इसलिए आप लोग अपना घर से कुछ ना कुछ बना करके लाना जो अब जैसे थोड़ी सी हलवा किसने बना करके ले आए जैसे थोड़ी सी पूरी नहीं तो कढ़ी थोड़ा चावल शुद्ध रूप में बगैर प्याज लहसुन के जो बढ़िया चीज बनाते तुम सबसे बढ़िया जो चीज बनाते हो थोड़ी थोड़ी बना करके लाना शायद कल प्रसाद होगा ना हाँ कल भी सभी के लिए यहाँ कढ़ी चावल हलवा की सभी के लिए कल प्रसाद है एक माता जी कल भी प्रसाद दे रही है और आप लोग जो बना करके लाओगे ना तो सब आप लोगों को ही मिलेगा प्रसाद रूप में आप लोगों को मिलेगा खाली हाथ से कोई नहीं आना कुछ ना कुछ लेकर के आना अगर एक बार जीवन में गिरिराज की पूजा में लगाओगे जन्म जन्मांतर का तुम्हारी
दारिद्रता खत्म हो जाएगी। इतने महिमा श्री गिरिराज की, बोले श्री गिरिराज बाबा की, बोले श्री गिरिराज महाराज की। इसलिए अभी राधा रानी जन्म ले रही है, बोले श्रीमती राधा रानी की। देखो श्री वृषभानंद महाराज के घर में एक बेटा था सिद्धार्थ मैया, लेकिन घर में कोई बेटी नहीं। अभी श्री वृषभानंद महाराज सोच रहे हैं घर में एक बेटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बोलो जोर से, बेटी। घर में बेटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि घर में कोई बेटी आए ना, देखना सारा दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई, कौन आई है, लेकिन घर में बेटा आए कोई कहता है कि नारायण आया है, बोलता है कोई नहीं। घर में बेटी आए तो क्या कहते, घर में लक्ष्मी आई है, हैं? इसलिए कन्यादान की बड़ी महत्व बताए, कन्यादान सबसे बड़ा पुण्य कन्यादान बताए। इसलिए घर में बेटी आए तो करना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसलिए ऐसे नहीं बेटी आए तो उसको मार डाली। इतने भाग्य से घर में बेटी आती है और एक जीव करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद में उसको इंसान का जीवन मिलता है। इसलिए कभी भी भ्रूण हत्या गर्भपात नहीं करनी चाहिए, जो ठाकुर की इच्छा वही होगा, हैं? देने वाले भी ठाकुर ही है, ठीक है ना। इसलिए वृषभानंद महाराज सोच रहे थे घर में एक बेटी हो। एक दिन वृषभानंद महाराज ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करने के लिए गए, देखा सततल कमल फूल के ऊपर में एक बड़ी सुंदरी बालिका किलकारी मारते हुए, अंगूठा चूसते हुए किलकारी मारते हुए बहते बहते आ रहे, और उसकी शरीर की ज्योति से चतुर्दिग उद्भासित हो रहा था, उज्ज्वला हो रहा था। वृषभानंद महाराज यमुना नदी में उतरे और वहीं से उन्होंने बेटी को उठा करके ले आए, बोले श्रीमती राधा रानी की। उन्होंने कीर्तिका मैया को दिए, बोले देखो कीर्ति दे, हम सोच रहे थे ना घर में बेटी हो, ठाकुर ने बेटी दिया है। और कीर्तिका मैया बड़ी जत्न पूर्वक पालन कर रही थी। नारद जी ने देखा कृष्ण तो अकेले आएंगे नहीं राधा रानी के बगैर, कृष्ण तो जन्म हो चुके गोकुल में, जरूर उनकी शक्ति भी कहीं जन्म हुई होगी। गली गलियों में घर घर में ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं ललिता विशाखा लेकिन राधा रानी नहीं। जब उन्होंने रावल में आए, इसको मायका था तेज कर दो भैया, जब रावल में श्री वृषभानंद महाराज के पास में आए, बोले आपके घर में कोई लाली भई है, वो चुप हो गए, बोले बोलो ना, बोले हाँ की लाली भी है। तब उन्होंने जब निकाल करके लाए देख करके तो पहचान ही गए, भैया यही कर आधा रहे, इनको ही तो मैं ढूंढ रही थी, हैं? जो मखेश्वरी क्रियेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी रामेश्वरी खेमेश्वरी श्री राधे के नमस्तुते, यही तो श्री राधा रानी। अभी नारद जी थोड़ा स्तुति करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पिता माता समझते ही तो छोटी मेरी लाली है, लेकिन वही राधा रानी उनको तो पता नहीं। तब उन्होंने बहाना बनाया, थोड़ा फूल ले आओ, तुम्हारे बच्चे को मैं स्वस्ति वाचन कराना चाहता हूँ। जब फूल लेने के लिए गई, इतने में राधा रानी स्वयं किशोरी बनकर प्रकट हो गई, ललिता विशाखा सखियां प्रकट हो गई, बोले क्या देख रहे हो नारद जी, जल्दी जल्दी राधा जी की स्तुति करो, नहीं तो अंतर ध्यान हो जाएगी। तब उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की। देखो अभी हम स्तुति को दो श्लोक हम पढ़ते हैं, इसका नाम है राधा कृपा कटाक स्तोत्र, अच्छे तरह से सुनो। इसका मतलब है ये स्तोत्र को जो पढ़ेगा उसको ऊपर में लक्ष्मी की राधा जी की विशेष कृपा होती है, विशेष कृपा होती है, घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और ये स्तोत्रों को 108 बार अगर कोई राधा कुंड में खड़े होकर के स्तुति करे ना, साक्षात राधा जी प्रकट होकर दर्शन देते हैं, बड़ी महिमा है। इसको हो सके तो हमारे जो संध्या दिन से हम लोग कलेक्शन कर लेना, ये आपको दे देगी राधा कृपा कटाक स्तोत्र है, बड़ी सुंदर स्तोत्र है, आप लोग सुन लो। हाँ मोबाइल में भी आपको ढूंढोगे तो मोबाइल में भी मिल जाएगा, बोले मुनिंद्र बिंद उनको ले आ भैया आ जाओ जान ले आ मुनिंद्र बिंद बंदित त्रिलोक सोग हारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज मूर विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोग संग छे सागरी सीयमा कृपाग प्रभाल प्रभाल पल्लव प्रभाल रंगी
प्रसन्न हो गए और बृषभानु महाराज प्रसन्न होकर के उन्होंने संपूर्ण ब्रज मंडल को न्योता दे दिया। जय मेरे घर में लाली भई है, सबके सब राधा रानी की जन्म महोत्सव के लिए पधारो। तब श्री बृषभानु बात मत करो, तब श्री नंद बाबा जी अपना कन्या को लेकर के आए और कृष्ण जब से जन्म हुए राधा रानी तब से आग बंद करके रखी। मेरे सर्वप्रथम जो मैं आग खोलूंगी मेरे प्रिय प्रियंगी उसके बाद में दुनिया में देखूंगी। हमने कृष्ण को ला करके राधा जी के पास लेकर दी। इतने में कृष्ण राधा जी के ऊपर हाथ रखते ही राधा रानी की नेत्र खुल गई और विष्णु महाराज बड़े धूमधाम से राधा रानी की जन्म महोत्सव मनाए। मेरे श्रीमती राधा रानी की जय। अभी हमारे प्रभु जी राधा रानी की जन्म महोत्सव मनाएंगे। देखो वही व्यक्ति खड़े होना जो नाचेगी नहीं उनको खड़े होने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए राधा रानी के कुर्ते रंग में नाचेगा खूब उसको धन जरूरत मिलेगी क्योंकि यही मूल लक्ष्मी है। लेकिन वही खड़े होना जो नाच सके, बिना कारण में खड़े नहीं होना। बोलो माइक सबसे भैया माइक अपना बोले की जरूरत Shira Ji, 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 Shira Ji,